आजकल रिलेशनशिप में लस ज्यादा है, आप क्या कहेंगे? तो ह्यूमन ब्रेन प्रोग्राम्ड है कि इमीडिएट क्या मिलेगा, अगर अभी मजा आएगा किसी चीज में तो वो करना है चाहे वो गलत। पहले के टाइम पैसा होता था अरेंज मैरिज, जैसे कॉमन इंटरेस्ट, उस टाइम तो पता ही नहीं होता था, उस टाइम पे इतनी दिक्कतें नहीं आती थी जितनी अब है। पुराना टाइम था, इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा ही था। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, फीमेल्स के पास कोई चॉइस भी नहीं होती थी ज्यादा, ना डिवोर्सेस के ऑप्शन होते थे, ना डिवोर्स के बाद कोई अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होते थे कि कहीं और शादी हो जाएगी। तो जो जहाँ जैसा है उसको पता होता था कि यहीं रहना है, तो उस समय अडैप्टेबिलिटी थी। आजकल एक और चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा हो रही है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि लोगों ने अपने आप को हर जगह लिबर्टी दे दी है, इतनी फ्रीडम है कि इंसान कुछ भी कर रहा है, उसको जस्टिफाई भी कर रहा है, और क्योंकि पूरा इकोसिस्टम ऐसा है तो आसपास वाले लोग भी कह रहे हैं हाँ सही है ठीक है क्योंकि वो लिबर्टी सब लेना चाहते हैं। आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी को कैसे लाइफ में इंसान जो है अपने अपना सकता है, क्या क्या कर सकता है वो? पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि अध्यात्म की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, तो उसको सीधा भगवान से जोड़ दिया जाता है। बस हमने क्या किया उसको कि भगवान के नाम पर ज्यादा प्रमोट किया या फिर रिलीजन के नाम पर ही प्रमोट किया, तो वो उसका स्वैग या कूल फैक्टर शायद थोड़ा कम रह गया कि एक यूथ है जो उसको बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं करना चाहता। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद का ये एपिसोड बहुत ही अलग होने वाला है, हटके होने वाला है। क्यों? क्योंकि हर बार हम धार्मिक टॉपिक को लेकर आते हैं, धर्म से जुड़े हुए विवादों पर चर्चा करते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बात करते हैं, आज हम लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बातें करेंगे। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, आप लोग बहुत, जब भी हमारे यहाँ कोई स्टूडियो में ज्योतिषी आता है या फिर कोई धर्म गुरु आते हैं तो आप सवाल पूछते हो कि रिश्तों से जुड़े हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो आपको उसकी बहुत ही सही जानकारी दे सके। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं धर्म संवाद पर, धर्मा लाइव पर, आज पहली बार विकास चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्म संवाद के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच नेहा फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो आप पहली बार आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को आप अपने बारे में खुद ही बताइए कि आप कैसे लोगों को, हम तो आपके बारे में जानते हैं लेकिन जो हमारी ऑडियंस है उनको एक बार अपने आप से इंट्रोड्यूस कराइए। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ और इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करता हूँ लोगों को उनकी ज़िंदगी के वो सारे डायमेंशंस जहाँ पर भावनाएँ इन्वॉल्व है, उन मामलों में उन्हें थोड़ा सा बेहतर होने में, थोड़ा सा ऊपर उठाने में मदद करता हूँ। रिलेशनशिप मेरा थोड़ा सा एक खास निश है जहाँ मुझे काम करना पसंद है, क्योंकि एक लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं होती कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि आप सोसाइटी की एक प्रॉब्लम उठाइए उसका सॉल्यूशन ऑफर कर दीजिए, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। मुझे ऐसा लगता था कि लोगों की ज़िंदगी में उनके रिश्ते ठीक ना चलना या रिलेशनशिप में क्राइसिस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में नज़र आती है, और मुझे लगा कि इस पर मैं काम करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स ठीक हो। मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की, अब मैं उसका पीएचडी करने के लिए जा रहा हूँ और रिलेशनशिप से जुड़े हुए डायमेंशंस पे बात करता हूँ, कपल एजुकेशन लोगों में स्प्रेड कर रहा हूँ, मेल फीमेल साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, और ऑफकोर्स इमोशनल इंटेलिजेंस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं ये, मतलब, और ये चीज़ें ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ रिश्ते हैं। अब रिश्ते होते हैं तो परेशानियां ज़रूर होती हैं और आप उन परेशानियों को अपनी वीडियोस के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। जो लोग अभी तक, जिन्होंने, मुझे लगता है सारे लोगों ने देखा ही होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक विकास को नहीं देखा है, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में उनका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं और कैसी जानकारियाँ देते हैं ये भी सुन सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों पर ही, क्योंकि आजकल ना रिश्तों में बड़ी परेशानियाँ हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी चाहते हैं कि हम उनको सॉल्यूशन दें। तो एस्ट्रोलॉजिकली तो हमने दे दिया है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाकर, आज आप उनके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या गलतियां वो कर रहे हैं, क्या उनको नहीं करना चाहिए, वहां से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, जो हमारे व्यूअर्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि लव लाइफ, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। जब भी कभी दो लोग प्यार करते हैं, एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो सबसे जो एग्जाम्पल दिया जाता है हमारे, देखा जाए तो राधा कृष्ण, मतलब ऐसा राधा कृष्ण का नाम लेकर आते हैं। राधा कृष्ण की प्यार में एक चीज जो मुझे दिखती थी वो लव था, वो लस्ट नहीं था। आजकल रिलेशनशिप में लस्ट ज्यादा है, लव रिलेशनशिप में लस्ट ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे क्यों आजकल उस तरीके के प्योर रिलेशनशिप नहीं हो पा रहे या बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं रिश्ते, लव लाइफ इतनी चल नहीं पाती लोगों की या टॉक्सिक हो जाती है, क्या रीजन है उसका? मेरे ख्याल से अगर हम प्यार की बात करें तो तीन स्तर पर हम लोगों से जुड़ते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल, राइट। तीन तरीकों से हम जब किसी से जुड़ते हैं
तो कहते हैं कि वो एक सच्चा प्यार है, या वहाँ पर आप एक सोल लेवल पर किसी इंसान से जुड़ रहे हैं, जो सोलमेट वाली बातें और ऐसी जब चीज़ें हम करते हैं, तो वो गहराई की कमी है। लस्ट वाली चीज़ है, तो ऐसा नहीं कि सेक्सुअल स्टफ बुरा है या इंटीमेसी कोई बुरी चीज़ है, पर सिर्फ जब वही रह जाता है तो वो प्यार का वो जो लेवल जो लोग अचीव करना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचते। और ये सब चीज़ों की वजह यह भी है कि आप देखिए, प्रलोभन एक बड़ी चीज़ है। प्रलोभन सिर्फ सेक्स का नहीं होता, प्रलोभन तो खाने का भी होता है, प्रलोभन तो सोने का भी होता है, प्रलोभन कंफर्ट का भी होता है ना। तो हर वो चीज़ जो इंसान को प्रलोभित करती है, इंसान उस तरफ जाने के लिए प्रोग्रामड है। यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस हमेशा देखता है कि इमिडिएट क्या मिलेगा। एक व्यक्ति जो ओबीज है, थोड़ा मोटापा है जिसे, उससे कहेंगे कि जिम जाना है, जिम का ऑप्शन रखा है और यहाँ एक बर्गर रखा है, तो डेफिनेटली वो बर्गर को खाना पसंद करेगा क्योंकि उस तरफ प्रलोभन है। और जिम जाना उसके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, बट उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आज नहीं दिखेगा, वो लॉन्ग टर्म है, वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसको वो बेनिफिट दिखेगा। तो ह्यूमन ब्रेन प्रोग्रामड है कि इमीडिएट क्या मिलेगा, अभी क्या मिलेगा। अगर अभी मज़ा आएगा किसी चीज़ में तो वो करना है, चाहे वो गलत हो, और अगर अभी जो करना है उसमें थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सफरिंग है, थोड़ी सी मेहनत है, तो वो उसको प्रोकेस्टिनेट करता रहता है, टालता रहता है। तो जो सेक्सुअल स्टफ है वो प्रलोभन से जुड़े हुए हैं, और लोगों के पास एक्सपोजर ज़्यादा है दुनिया में, किसी भी लड़की से, किसी भी लड़के से आप कुछ क्लिक से दूर हैं, और किसी से भी आप अपनी मन की बात खुल के कर सकते हैं। दूसरा ये कि जिस तरह की न्यूडिटी भी थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड की जा रही है, या अडल्ट कॉन्टेंट का जो है वो फ्लो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो लोगों के इन इमोशंस को प्रोवोक भी किया जाता है। तो एक तो प्रलोभन की तरफ इंसान वैसे भी जा रहा था, अब आप उसको दिखा भी हर जगह वही रहे हो, तो इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई हो गई है, तो वही डिज़ायर बन गई है बस, कि बस ये चीज़ हो जाए। तो उसके अंदर जो फिर माइंड लेवल का जो कनेक्शन है या सोल लेवल का कनेक्शन है, वो मिस हो गया, तो फिर वो प्यार प्यार नहीं लगता, फिर वो लस्ट ही रह जाता है, जैसा आपने कहा। तो मुझे ये जानना कि क्या ये कंपेयर करना कि अरे उनके जैसा प्यार वो पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम पे, वो अलग युग था, ये अलग युग है, तो ये कंपेयर करना भी सही नहीं है। एक रीज़न आपको क्या लगता है, मतलब बहुत सारे रीजन्स होंगे, लेकिन सबसे जो बड़ा रीज़न वो क्या दिखता है कि आजकल उस तरीके के, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बन पा रहे हैं लव लाइफ में। वो प्रलोभन तो आपने सही बात बोली, लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे लोग लव लाइफ में ये देखते हैं कि अच्छा बॉयफ्रेंड उसी को बनाएंगे जो अच्छा कमाता है या गुड लुकिंग हो, गर्लफ्रेंड उसी को बनाएंगे जो कि गुड लुकिंग हो या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है, सेक्सी दिखती है, ऐसा। तो एक सब लोगों का अलग अलग ये है, तो क्या ये रीज़न है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं लोगों के, इसीलिए शायद ये रिलेशनशिप भी टॉक्सिक हो जाता है? दरअसल हमारे एक इंसान की जो ज़रूरत होती है ना, वो कई तरीकों से डिज़ाइंड है। जैसे प्यार करना या एक मेट ढूंढने का जो मॉड्यूल है, वो एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर ऑलरेडी सेट है, जिसको कहते हैं मेट अट्रैक्शन और मेट रिटेंशन, कि इंसान ना ऑटोमेटिकली किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसकी तरफ जाता है। कोई ऐसे गेम प्लान बना के नहीं निकलता कि आज तो घर किसी से प्यार करके ही आऊँगा, है ना, वो अपने आप होता है ना। वो पिछले हज़ारों सालों में जिस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं, तो एक लड़का लड़की की तरफ और लड़की लड़के की तरफ जाने के लिए प्रोग्रामड है, तो वो जो लव वाला फैक्टर है ना, वो अपने आप होता है। फिर आती है शादी। शादी वाला मॉड्यूल ना साइकोलॉजी में ऐसे ऊपर वाले ने डाल के नहीं भेजा, वो इंसान ने क्रिएट किया है। तो शादी वाले मॉड्यूल की ज़रूरतें बहुत सारी है, सिर्फ प्यार नहीं है। तो शादी वाले मॉड्यूल में, यानी कि जब दो लोग ज़िंदगी जीते हैं, तो मुझे लगता है कि प्यार शायद 10-20% है उस शादी का। उसके अलावा बहुत सारा इनकन्वीनियंस है, बहुत सारा सेक्रीफाइस है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन सब चीज़ों के कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो जब आप शादी के लिए दुनिया में किसी के भी साथ जा रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, पर प्यार में पढ़ने के लिए आप कुछ नहीं देखते, बस आपका दिल लगना चाहिए किसी से और प्यार हो गया। तो ये ना एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता है कि प्यार जिससे, प्यार किसी से हुआ है, शादी घर वाले किसी और से करने का कह रहे हैं, ये सब भी चलता रहता है। तो ज़िंदगी की ज़रूरतें कुछ और हैं और मन की ज़रूरतें कुछ और हैं, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है और ये चलता रहेगा, ये तो एक बात। दूसरा, आपने कहा कि आजकल वो गहरा ही नहीं है प्यार में, वो गहरा इसलिए नहीं है क्योंकि प्यार के मायने शायद बदल गए हैं। मायने यूँ बदल गए कि जहाँ तक मेरी समझ है, वो ये कहती है कि प्यार का मतलब होता है समर्पण और त्याग, है ना, कि जब आप किसी के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं, जब आप अपने आप को सबमिट करते हैं किसी के लिए, और उससे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन डेवलप होता है ना, उसको प्यार कहते हैं। कि भाई मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और बेटा जो है रात में 12 बजे या 1 बजे घर पहुँचा, या वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है
और हस्बैंड जो है 1 बजे घर पे आया है, तो वो चाह रही है कि मैं उठ के खाना गर्म करके उसको दे दूँ, है ना। वो कह रहा है कि नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, पर अगर वो नहीं देगी ना तो उसका मन नहीं लगेगा, है ना, उसे ऐसा लगेगा कि यार इतना तो मैं कर ही दूँ। तो वो उठेंगी भी, यानी कि वो सैक्रिफाइस कर रही है अपने आराम को, वो खाना गर्म भी कर रही है, उसको प्लेट में लगा कर भी देगी और अब जाकर सो जाएगी, तो वो संतुष्टि से सो रही है, यानी कि चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के बाद एक संतुष्टि फील हो रही है। तो ये प्यार वाला मामला है, है ना, कि जहाँ आप त्याग और समर्पण करते भी हो और उसके बाद आपको अच्छा लगता है कि मैंने ये किया। तो अभी कैसा है ना, अभी अभी वो डेप्थ नहीं है। अभी कैसा हो गया है कि लोगों को प्यार कैसे होता है कि मैंने किसी लड़की को उसके ही बारे में थोड़ा अच्छा फील करा दिया, मैं उसके साथ बैठा, मैंने उससे थोड़ी बात की, मैंने उसके थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अगर वो थोड़ी निराश है, थोड़ी सी नेगेटिव है लाइफ को लेकर या खुद को लेकर, या उसको खुद से कंप्लेंट्स है, और मैंने उसको कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमने तब वो भी तो किया था, वो भी तो किया था, तुम इतनी अच्छी हो, स्टडीज़ में भी अच्छी हो, तुम अपने काम में भी बहुत बढ़िया हो, यानी कि मैं उसे थोड़ा सा इनकरेज कर रहा हूँ लाइफ के प्रति, यानी आप उस इंसान को उसके ही बारे में थोड़ा सा अच्छा फील करा रहे हैं, थोड़ा एलिवेटेड फील करा रहे हैं, तो वो व्यक्ति ना उस फीलिंग के साथ प्यार में पड़ रहा है जो उसे अपने आप के बारे में हो रही है आपकी बातें सुनकर, है ना। तो उसे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे उस बंदे से प्यार है, उसके साथ रहती हूँ तो बहुत अलाइव फील होता है, उसके साथ रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, सब कुछ बड़ा खूबसूरत है, सब बढ़िया है। ये फीलिंग्स उसकी अपने आपके बारे में डेवलप हुई है उसके साथ रहकर। और जब आप उसके साथ रहते हो 6-8 महीना, साल भर, 2 साल, और अब वो जब क्रिटिसाइज करना शुरू करता है, वो आपकी कमियाँ पॉइंट आउट करना शुरू करता है, वो नेगेटिविटीज़ बताना शुरू करता है, तो पसंद नहीं आता। अब आप वो फीलिंग मिस कर रहे हो कि आप इसके साथ रहो ना, तो वो फीलिंग नहीं आती। तो आप उस फीलिंग के साथ ही प्यार में थे, और अब क्योंकि वो फीलिंग नहीं आ रही, तो आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे बीच में वो बात नहीं रही। तो आजकल का प्यार थोड़ा सा ऐसा है, जेंजी। हालांकि बहुत सारे जेंजी हैं जो अलग भी हैं, लेकिन जेंजी लव आजकल यही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हो और वो चाहते हो कि नहीं, हमेशा जैसे शुरुआत की वैसे ही उनका एंड हो, जैसे अगर कोई लव लाइफ में आता है, किसी को पसंद करता है, अप्रोच करता है, बातचीत करता है, रिलेशनशिप में आता है, तो चाहता है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि शादी करें, बहुत सारे लोग टाइम पास करते हैं, उनके लिए हम अलग बात करेंगे, लेकिन पहले जो लोग शादी करना चाहते हैं, उसको एक लंबा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उनके में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। क्या वो चीज़ें हैं जो करने से उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ना आए? क्योंकि ऑब्वियस है, जैसे आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती हैं, वो तो कम करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जिनको मैनेज करने से वो रिलेशनशिप हमेशा स्मूथ चले। देखिए, एक रिलेशनशिप के ना कुछ स्टेजेस होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी रिलेशनशिप का, वो होता है जहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ पैशन, है ना। प्यार तो एक दूसरे के लिए खूब है ही सही, और पैशनेट भी इतना है कि साथ में ही खाना खाएंगे जब मैं घर आऊँगा, साथ में ही शॉपिंग पर चलेंगे, वर्कआउट भी साथ में करेंगे, ये भी साथ में, वो भी साथ में, ट्रैवल भी करना है तो साथ में करना, सारी चीज़ें हैं। तो बड़े पैशनेट हैं, एक दूसरे को खूब टाइम दे रहे हैं, फुल प्रायोरिटी है, इंटेंसिटी रिलेशनशिप की एकदम हाई है। पर फिर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, 6-8 महीना, साल, 2 साल निकलते हैं, तो वो जो स्टेज है, जो पहला वाला, उससे रिलेशन सेकंड स्टेज पे आ जाता है, जो कि मैंडेटरी स्टेज है। यानी कि दुनिया में कोई ऐसा कपल नहीं है जिसका प्यार या जिसका रिलेशनशिप सेकंड स्टेज पे ना आता हो, पर वो सेकंड स्टेज ना बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, तो वह लड़ना झगड़ना और सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना शुरू करते हैं। वो स्टेज होता है लॉट ऑफ लव बट नो पैशन, ठीक है, दिस इज मैंडेटरी। यानी कि वो स्टेज जहाँ पर इंसान अपने वाइफ को फ़ोन करके ये कहता है कि तुम खाना खा लेना, मैं लेट हो जाऊँगा, और जहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को फ़ोन करके ये कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रही हूँ, खाना खुद गर्म कर लेना और खा लेना, ठीक है, शॉपिंग के लिए मैं नहीं आ पाऊँगी, आप ही कराना, उसने कहा कि यार मैं फलाना काम नहीं कर पाऊँगा, तू ही देख लेना। ये एक गज़ब का कंफर्ट है लाइफ में जब आप ऐसे रहना शुरू कर देते हो, जहाँ पर अब हर चीज़ के लिए किसी तरह की इसी ज़्यादा बाउंडेशंस नहीं है, ऐसा नहीं कि यार दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं और आप एक दूसरे के लिए परेशानी नहीं बन रहे, ठीक है, आपके पास एक कंफर्ट है उस रिलेशनशिप में, वो एक मैंडेटरी स्टेज है। कोई रिलेशनशिप में कितना सेक्स करेगा, कितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कितना आप ब्रेन को स्टिमुलेट कर पाओगे एक ही इंसान को देख देख के, एक इंसान जिसके साथ 24/7 रह रहे हो उसको देख कर ही कितना प्यार अंदर फील कर लोगे, है ना, ये चीज़ें तो डाइल्यूट होनी है। तो सेकंड स्टेज को तो आना ही है, पर लोगों को ऐसा लगता है कि पहले हम ऐसे रहते थे, पहले हम वैसे रहते थे, पहले हमारे बीच में ये होता था, वो होता था, आजकल कुछ नहीं होता है, तो वो उस पर लड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा सेकंड स्टेज पे आना, तो वो प्रॉब्लम है। तो एक जो सबसे ज़रूरी मैसेज जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है कि ये जो स्टेज है ये बहुत हेल्दी और बहुत कम्फर्टेबल और एक ज़रूरी मैंडेटरी स्टेज है
इसको बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, पहला। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अडेप्टेबिलिटी। मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसे भी लोगों को काउंसलिंग किया है जिनकी शादी को 25-25 साल हो गए और आज भी कॉन्फ्लिक्ट है, आज भी उनकी नहीं बनती, आज भी उनको शिकायतें एक दूसरे से। और ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप देखिए कि ईश्वर ने इंसान को इस तरह से बनाया कि वो कैसे भी सिचुएशंस में अडेप्ट हो जाएगा अगर वो वहाँ जाके 6-8 महीना साल 2 साल रह ले तो। मतलब हम किसी व्यक्ति को यहाँ से चाइना भेज दें जहाँ की ना उसे लैंग्वेज समझ में आ रही है, ना लोग समझ में आ रहे हैं, ना खाना समझ में आ रहा है, ना वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ की आबो हवा कुछ भी नहीं पसंद आ रही, पर वो अगर 2 साल वहाँ रहने का तो वहाँ के लाइफस्टाइल के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, वहाँ जीना सीख जाएगा खुशी खुशी। यानी कि इंसान ना कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन में जाएगा तो 1-2 साल में वो वहाँ अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। पर आप देखिए कि रिलेशनशिप में एक व्यक्ति कहीं गया किसी घर में या किसी इंसान के पास, 1-2 साल हो जाते हैं बट वो वहाँ कंफर्टेबली नहीं हो पा रहा, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि हाँ ये ऐसा ही है और यहाँ की व्यवस्था ऐसी है इस परिवार की। अडेप्टेबिलिटी नहीं है कि इंसान कैसा है क्या है, और ये अडेप्टेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि एक इनर रेजिस्टेंस है, यानी कि इंसान अपने आप को खुद ही रोक रहा है कि नहीं ये चीज़ तो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, इसके साथ तो मैं जी ही नहीं सकता, ये तो मेरा चल ही नहीं सकता। तो जितना इंसान अपने आप को रोक रहा है ना उतना उसकी लाइफ में परेशानी बनी रहेगी, जबकि इंसान इतना कठिन बनाया नहीं ऊपर वाले ने कि वो एडजस्ट नहीं हो सकता था या वो खुश नहीं रह सकता था, ऐसा कुछ था नहीं। तो अडेप्टेबिलिटी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि लोगों को जिसका ख्याल रखना चाहिए। और तीसरा और लास्ट कि एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉमन इंटरेस्ट। प्यार व्यार सब अपनी जगह है, लव केयर अंडरस्टैंडिंग कुछ हो या ना हो, दो लोग एक दूसरे के बिना रहेंगे ही नहीं अगर उनके बीच में कॉमन इंटरेस्ट अच्छे हैं, यानी कि वो बातें जिसको देखकर हम एक दूसरे के साथ आए थे, है ना। कॉमन इंटरेस्ट कितने हैं, क्या आपको साथ में मैच देखना पसंद है, क्या आपको वेब सीरीज़ देखना पसंद है, क्या आप फूडी हैं दोनों, क्या आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करना पसंद है, क्या आपको वॉलंटियरिंग करना पसंद है, क्या आप मेडिटेशन कैंप वगैरह में और यहाँ वहाँ जाना पसंद करते हैं, क्या आपको सोशलाइज होना पसंद है, ऐसी कितने, क्या आपको राइड पे जाना है, ड्राइव पे जाना पसंद है, ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आप ढूंढ सकते हो। या अगर कम है तो ये चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती है, ये फिगर आउट की जा सकती है, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो कॉमन इंटरेस्ट दो लोगों के बीच में अगर ज़्यादा है तो वो बंधे रहेंगे एक दूसरे से, वहाँ रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और कॉमन इंटरेस्ट क्योंकि कम होते हैं तो आप ये भी सुनोगे लोगों से कहते हुए कि यार हम क्या बात करें, समझ में नहीं आता, मतलब क्या बात करें, है ना, इतना टाइम हो गया है कि एक दूसरे के बारे में इतना सब कुछ जान चुके हैं कि अब कोई कॉमन टॉपिक से नहीं बात करने के लिए। तो कॉमन इंटरेस्ट जहाँ ख़त्म हो जाते हैं ना वहाँ सेचुरेशन जल्दी आ जाता है। कॉमन इंटरेस्ट बने हुए हैं तो वहाँ लव होना हो, सेक्स होना हो, इंटीमेसी होना हो, वो लोग एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते, उन्हें बहुत मज़ा आता है। एक चीज़ इससे मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, पहले के टाइम पैसा होता था अरेंज मैरिज, जैसे कॉमन इंटरेस्ट उस टाइम तो पता ही नहीं होता था, जैसे हमारी मम्मियों की दादियों की शादी करा दी गई, एक लड़का पकड़ के लेकर आए, देखा कि हाँ भाई वेल सेटल्ड है, ठीक है, अच्छा कमाता खाता है, अच्छे घर से, उस टाइम पर इतनी दिक्कतें नहीं आती थी जितनी अब हैं। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि पुराना टाइम था, इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा ही था। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, फीमेल्स के पास कोई चॉइस भी नहीं होती थी ज़्यादा, ना डिवोर्सेस के ऑप्शन होते थे, ना डिवोर्स के बाद कोई अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होते थे कि कहीं और शादी हो जाएगी। तो जो जहाँ जैसा है उसको पता होता था कि यहीं रहना है, तो उस समय अडेप्टेबिलिटी थी कि जो जहाँ था वो वहाँ जीना सीख गया, जिसका हस्बैंड जैसा, जिसकी वाइफ जैसे, जिसके बच्चे जैसे, उसने वैसा अपनी ज़िंदगी को जीना सीख लिया, इसलिए शायद उनके जीवन कट भी गए। पर आज लोगों के पास सारी चॉइसेस हैं फिर भी जीवन में कितना मुश्किल है, कितने डिप्रेसिव हैं, कितना दिक्कतें हैं लोगों को, जबकि सब कुछ मन का हो रहा है, पढ़ लिख भी लिए, जॉब भी कर रहे हैं, घर वालों से सेपरेट भी रह लिए, बाहर रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ में रह रहे हैं, पूरा स्पेस है, पैसा है, एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट की दुनिया भर के साधन है, इतना ट्रैवलिंग है, सब कुछ है, उसके बाद भी केओस बना हुआ है, हेलो, अडेप्टेबिलिटी नहीं है। तो अडेप्टेबिलिटी या तो मजबूरी में आ जाए जैसे पहले लोगों के पास हुआ करती थी, हम बाय चॉइस उस चीज़ को ग्रेसफुली लेकर आए कि नहीं यार अभी जो भी है। एक और आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि अगर 100 कपल्स है कहीं पर, तो उन 100 कपल्स में से 20 कपल ऐसे होंगे जिनको एक दूसरे से बेइंतहा प्यार है, 20 कपल्स ऐसे होंगे जिनको एक दूसरे से बेइंतहा नफरत है, एंड 60 कपल्स ऐसे उधर होंगे जिनको पता है कि हम एक दूसरे के लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है, मैं इससे अच्छा मुझे मिल सकता था, ये मिल सकती थी, बट उनको पता है कि अभी जो भी है यही है। और इन 60 में से 40 कपल्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अच्छा डिजर्व करता था या मैं मुझे इससे अच्छा मिल सकता था तो क्यों नहीं मिला और क्या नहीं, तो वो छटपटा रहा है, तो वो हर दिन लड़ रहा है, झगड़ रहा है,
और 20 लोग जो है ना वो उसको एक्सेप्ट कर चुके कि ईश्वर ने यही लिखा था हमारे लिए और यही है, तो ठीक है चलेगा, बढ़िया है, ये थिंग है। तो वो जो 40 लोग है ना, सारा परेशानी इस सोसाइटी में उन लोगों के साथ है जिनके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ नहीं पा रहा है। तो ये 60 लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि बेस्ट नहीं है, तो नया इनका क्या किया जाए, इनको अडेप्टेबल ही तो होना पड़ेगा, इनको सिचुएशन में जीना ही तो सीखना पड़ेगा। अगर 10 में से 6 लोग डिवोर्स करने जाएंगे तो कोविड से बड़ा अभी पेंडेमिक आ जाएगा सोसाइटी में, है ना, इतनी भागम भाग हो जाएगी। ठीक है, तो वही है, दैट्स द गेम, ऐसे ही चलेगा सब कुछ। शादी की तो बात हो गई, लव लाइफ की भी बात हो गई, आजकल एक और चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा हो रही है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अगर ये सारी चीज़ें जो आपने बताई अगर वो इंसान करने लगे तो लाइफ उनकी अच्छी चलेगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो पार्टनर से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, या एक रीज़न ये भी होता है कि सारे आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, आपका 9-10 घंटा तो एक ऑफिस में निकल रहा है, वहाँ पे आप किसी, कोई मेल किसी फीमेल के साथ फ्रेंड है तो कोई फीमेल किसी मेल के साथ फ्रेंड है, वहाँ उनकी क्लोज बॉन्डिंग हो गई उनके लिए, वो हस्बैंड से प्यार करते हैं, उनके पास जाते हैं, हर दिन जाते हैं, उनके साथ भी रहते हैं, लेकिन उनकी जो लाइकिंग है वो उसके साथ डेवलप हो गई, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो गया, उनके लिए भी है, उनके लिए भी लाइकिंग है, ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि थोड़ा लोग भी जब ऐसे सिचुएशन शुरू होती है उस टाइम तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो बात बढ़ती जाती है तब वो लोग परेशान हो जाते हैं, फिर वही किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, अरे हमारी लाइफ में तो टेंशन है, या किसी कोच के पास जाएंगे कि अब सुधार दो। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? पहले तो मैं, जहाँ तक मेरा पिछले 8 सालों का अनुभव है, मैं हज़ारों लोगों को काउंसलिंग किया है, मुझे इन 8 सालों में बात समझ में आई है कि 10 शादियाँ हो रही हैं तो 10 में से 4 शादियों में टर्मोइल है, लोगों को लग रहा है कि मेरी शादी फेल हो गई, वो वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता था, है वो फ्लॉप शादी है, बस रह रहे हैं साथ में, 10 में से 4 शादियाँ, और 10 अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम देखते हैं तो उसमें 6-7 में टर्मोइल है, गेटिंग इट, कि 10 लोग जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया उसमें से 6-7 दुखी है उस अफेयर की वजह से, खुश नहीं है, पर जब उन्होंने इनिशिएट किया था तो उनको ऐसा लग रहा था कि एक नया जीवन मिल रहा है ना, लाइफ में नई खुशियाँ आ गई है, एक अलाइव फील हो रहा है, थोड़ी सी नई एनर्जी है, अच्छा लग रहा है, मन लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में वापस एक चार्म आ गया है। पर एक टाइम के बाद वहाँ ज़्यादा सफरिंग है, यानी कि मैरिज से ज़्यादा सफरिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो ये तो एक बात हो गई। पर मैंने कहा ना कि जब इनिशिएट करता है इंसान तो वो क्या देख रहा है, वो प्लेजर देख रहा है, पेन नहीं देख रहा, वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस नहीं देख रहा कि कल को अगर कुछ भांडा फूट गया तो क्या होने वाला है मेरे रेपुटेशन का, इमेज का, सोसाइटी का, फैमिली है, बच्चे हैं तो इनको क्या लगेगा, वो लॉन्ग टर्म है। तो कोई भी चीज़ को आप थोड़ा सा दूर रख दीजिए, किसी प्लेजर को या पेन को, तो इंसान को ऐसा लगता है अरे सब तब की तब देखी जाएगी, बट उसी को यहीं रख दीजिए, यानी कि अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और एक्सपोज हो गया तो इंसान उस समय, क्योंकि इमीडिएट वह पेन है ना कि इस सिचुएशन को टैकल कैसे करूं, तो वो क्या कह रहा है पता है कि क्यों किया मैंने यार ये सब, और वो दूसरों कह रहा है ज़िंदगी में ये मत करना कभी भी। तो इमीडिएट अगर वो चीज़ कोई ख़राब चीज़ हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग सोच रहा है इंसान, और इमीडिएट अगर मज़ा आ रहा है उस चीज़ में तो वैसा, तो वो लॉन्ग टर्म तो सोच ही नहीं रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ने का एक रीज़न ये भी है कि एक्सेसिबल हो गया सब कुछ, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और दूसरा जो लिबर्टी हम लोगों ने ले रखी थॉट्स की वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आप किसी भी इंसान को आप देख लीजिए कि अगर जस्टिफाई करने की बात आएगी तो आप चोर से जाके पूछ लीजिए कि चोरी क्यों कर रहा है, वो जस्टिफाई कर देगा, उसके पास एक पॉजिटिव इंटेंशन है। आप कसाई को जाके पूछिए कि क्यों जानवरों को मार रहे हो, क्यों उसे काट दे रहे हो, उनको देर इज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। आप टेररिस्ट को पूछिए क्यों भाई क्यों मार देते हो ऐसे लोगों को, तो वो एक पॉजिटिव इंटेंशन बता देगा कि इससे दुनिया में ये अच्छा हो जाएगा कि वो अच्छा हो जाएगा या कुछ। तो इंटेंशन तो गलत से गलत काम करने वाले के पास भी एक पॉजिटिव है ही सही, तो वैसे ही लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल के पीछे भी एक पॉजिटिव इंटेंशन बना रखा है कि क्या मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ डिजर्व नहीं करता, क्या आज मुझे इतना मैनिपुलेशन मिल रहा है शादी में तो क्या मैं अगर किसी के साथ बैठ के एक कॉफ़ी पी लूँगा तो कुछ बिगड़ जाएगा, है ना, क्या मैं अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो वैसी वाली बात है कि लोगों ने अपने आप को हर जगह लिबर्टी दे दी है, इतनी फ्रीडम है कि इंसान कुछ भी कर रहा है उसको जस्टिफाई भी कर रहा है, और क्योंकि पूरा इकोसिस्टम ऐसा है तो आसपास वाले लोग भी कह रहे हैं हाँ हाँ सही है ठीक है। क्योंकि वो लिबर्टी सब लेना चाहते हैं, 10 में से 6 लोग वो लिबर्टी ले रहे हैं, है ना, कि हम मैरिड हैं उसके बाद भी हम यहाँ वहाँ नजरें अपनी रखें तो सब एक जैसे हो गए, तो ये कलेक्टिव फेलियर है ना सोसाइटी का, कि हमने सोसाइटी को क्रिएट ही ऐसा कर दिया है जहाँ पर किसी को भी ये सारे काम गलत ही नहीं लग रहे हैं, सब लोग मिलके कर रहे हैं। पर
लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा फेलियर्स एक्स्ट्रा मैरिटल में है, वो रास्ता जो है वो लोगों को दुखी ज़्यादा कर रहा है, खुशियाँ कम दे रहा है। यानी कि जितने भी लोग अभी तक, आप चाहे हमारे शो में जब भी कभी एस्ट्रोलॉजर आता था या कोई धर्म गुरु आते थे, हम उनसे भी सवाल पूछते थे, हर एंगल से आपको हमने समझाया। आज लाइफस्टाइल जो है, रिलेशनशिप कोच ने भी आपको कहा कि ये सब चीज़ें मत पढ़ें, उसके बाद आप आते हैं कॉमेंट करते हैं और रोते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल की बात तो हो गई, ये तो शादी के बाद लोग एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, लेकिन देखा जाए तो लव लाइफ में भी आजकल चीटिंग बहुत ही आम बात हो गई है। मतलब किसी एक के साथ है, जैसे आपने बोला ना कि बहुत ज़्यादा उनका स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा प्यार होता है, अटैचमेंट होती है, बहुत ही ध्यान देते हैं, फिर उनसे कोई बेटर मिलता है वो उसके पास चले जाते हैं, तो चीटिंग आजकल हर रिश्ते में, चाहे वो अपने घर का भी रिश्ता हो वहाँ भी चीटिंग है, चाहे वो बाहर का रिश्ता हो वहाँ भी चीटिंग है। बहुत ज़्यादा अगर कोई प्यार देने लगता है तो एक टर्म है, शायद लोग निब्बा निब्बी बोलने लग जाते हैं आजकल, तो ये सब चीज़ें बहुत हैं कि बोलते हैं कि अरे देखो वो तो निब्बा निब्बी बन गए हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्यार दिखाता है उसके बाद वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो क्या रीज़न है ये चीटिंग होने का, और क्या चीटिंग करना मतलब किसी को छोड़ देना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो देखते हैं कि अरे बहुत सालों तक साथ में हैं, शादी के लिए बातचीत की, लव रिलेशनशिप उनका चला, लेकिन उसने उससे शादी नहीं की, छोड़ दिया घर वालों की मर्जी से शादी की, तो वहाँ भी वो चीटिंग है। क्या इस तरीके का चीटिंग सही होता है, या क्या वो जस्टिफाइड है कि हाँ मेरे तो पेरेंट्स ने कहा तो मैंने शादी कर ली, तो क्या वो जस्टिफाइड है? देखिए इमोशंस जो है ना, वो उनकी इंटेंसिटी हाई हो गई है और उनकी गहराई कम है ना, मतलब फ्रेजाइल हो गए हैं। आप ये समझिए कि दो दिन किसी के साथ अगर अच्छा लगने लग जाए तो ऐसा लगता है कि यार, जैसा मैंने कहा कि उसके साथ रहकर अलाइव फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं वाइब कर पा रहा हूँ उसके साथ, है ना, तो दो तीन दिन में लोगों को प्यार होने लग जाता है किसी से अगर अच्छा लग जाए। और अगर दो तीन दिन अगर कोई इंसान थोड़ा रिजेक्शन देने लग जाए तो उससे दूरी बनने लग जाती है, नफरत होने लगती है कि ऐसा कर रहा है, है ना, यानी कि ब्रेकअप भी क्विक होता है और प्यार भी बड़ा क्विकली हो रहा है। और सिर्फ प्यार के मामले में नहीं है, इंसान थोड़े से पैसे खरीद कमा लेता है तो वो जाके एक महंगी सी कार खरीद के लिए आएगा, यानी कि वो अपने एक्साइटमेंट को, अपने इमोशंस को टैकल नहीं कर पा रहा है, बस पैसा आ गया तो उड़ा देना है, और थोड़ा सा कर्जा अगर हो जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाएगा, है ना। तो आप देखिए इमोशंस में इंटेंसिटी नहीं, इंसान सुबह कुछ है शाम को कुछ है, अभी दो महीने पहले कह रहा था कि मुझे उससे प्यार है और 15 दिन पहले ब्रेकअप कर लिया, है ना। पहले कैसा होता था कि इमोशंस में गहराई थी, इंसान 6-6 महीने किसी लड़की का वेट ही कर रहा है कि एक बार देखने को मिल जाएगी, मेरा मैसेज किसी तरह उस तक पहुंच जाए, फिर उधर से रिप्लाई आएगा, 2 महीने उसका भी वेट कर लिया, दुनिया भर की चीज़ें होती थी, गहराई होती थी, इंसान अब बुढ़ापे में भी बैठ के याद कर रहा था कि यार वो आती थी और ऐसा होता था और वैसा होता था, कितनी गहराई थी उनके प्यार में, उनकी बातों में। पुराने गाने होते हैं, तुझे चांद के बहाने देखूं, और कितने अच्छे-अच्छे गाने लिखे गए हैं। तो इमोशंस फ्रेजाइल हो गए हैं, किसी इंसान के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा टर्मोइल रिलेशनशिप में आ गया, थोड़ा सा मिजरीज आ गई, एडवर्सिटीज आ गई है, तो इंसान को लगता है कि यार अब हमारे बीच वो बात नहीं है, आजकल तो उसका ध्यान भी नहीं रहता है, ये भी नहीं रहता, वो भी नहीं रहता, मतलब हम ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहते बस कहीं पर, यार इसके काम की वजह से हमारा रिलेशनशिप हैम्पर हो रहा है तो फिर मैं नहीं रहने वाला यहाँ पर, तो अपना काम ठीक करो, नहीं तो हम कब तक मैं सफ़र करूँगी या करूँगा, है ना। तो वैसे में अगर कहीं और ऐसे कोई ऑप्शन है जहाँ जाकर एक फिर से एक नया प्यार बनप सकता है या बात बन सकती है, तो वो चीज़ ज़्यादा होने लग गई है। अगर वो एक्सपोजर होता ही नहीं दूसरी जगह जाने वाला, तो इंसान यहीं बैठ के इसके साथ ही ठीक करने में लगा रहता, है ना। पर अब क्योंकि दूसरे ऑप्शन ऐसे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, तो फिर वो है ना कि एक मोटिव है कि चलो यार इससे अच्छा अगर ऑप्शन है तो मैं अपने आप को ज़िंदगी में वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे सकता, है ना, वो खुशी मैं अपने आप को क्यों नहीं दे सकता। तो लोगों ने वो वजह ढूंढ ली कि मुझे क्यों किसी और के पास जाना है और यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो लोग जाके उन सिचुएशंस को वर्कआउट कैसे करेगा ये नहीं सोचना चाहते, बस उनकी इमोशनल नीड बदली, उस नीड पे कोई और व्यक्ति ज़्यादा सुटेबल है तो बस उन्हें एक बहाना चाहिए कि वो उसके साथ जाके कनेक्ट कर लेगा। अगेन ये ऐसी बातें नहीं कि हर इंसान यही कर रहा है, पर हम लोग प्रॉब्लम्स पर बात कर रहे हैं कि अगर 10 में से 4 लोग भी ऐसा कर रहे हैं या 3 लोग भी कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं उसकी बस हम बात कर रहे हैं, वो 6 लोग तो बड़े अच्छे हैं। हाँ, और प्रॉब्लम को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हैं जो खुल के बात नहीं कर पाते, वो ऐसे ही सोशल मीडिया पे कभी सर्च करते रहते, कभी आपकी रील टकरा जाती है वहाँ से सुन के और सीख लेते, जैसा इंटरव्यू के पहले किसी ने कहा आपसे कि बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, तो बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि शायद उनको कोई गाइडेंस मिल जाए या हेल्प मिल जाए, क्योंकि इसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत लोगों का घर खराब हो जाता है, सुसाइड तक लोग चले जाते हैं।
बात चीटिंग की भी हो गई, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है कभी कभी वो होता है डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, सेपरेशन, लोग शादी में भी बहुत ज़्यादा लोग जैसे होता है शादी की नहीं समझ में आया चलो भाई डिवोर्स ले लेना, तो डिवोर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए डिवोर्स बाय द वे पिछले दो डिकेड्स में 350% बढ़ा है इंडिया में, और मैं अक्सर बताता हूँ कि पिछले दो डिकेड्स में टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, एडवांसमेंट भी बढ़ा है, इंटरनेट का भी ज़माना रहा है, इंसान बहुत ज्ञानी हुआ है, बहुत पॉडकास्ट, बहुत दुनिया भर के वीडियोस, दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसेस, दुनिया के हर इंसान का एक्सेस आपके पास है, उसकी लाइफ जीने का तरीका, उसने जीवन में क्या क्या करा वो सारा ज्ञान हमारे पास है, हर चीज़ एक्सेसिबल है, यानी कि इंसान स्मार्ट तो हुआ है, इंटेलिजेंट तो हुआ है, ग्रोथ तो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी सब इन दो डिकेड्स में बहुत हुई है, पर ये सब ना हमारे रिश्तों को संभालने में काम नहीं आ रहा। यानी कि पहली चीज़ तो कि इंटेलिजेंस का लेना देना डायरेक्टली रिलेशनशिप से अगर होता तो रिश्ते सुधर गए होते इन दो डिकेड्स में, ना कि इतने और ख़राब होते, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर एक्सपोजर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कि अभी कितना ज़्यादा है, आप उन लोगों को देखिए जिन्होंने 2005 के पहले शादियाँ की थी, वो डिवोर्स के बारे में नहीं सोचते क्योंकि उन्हें पता है कि आज उम्र उनकी 45-50 के आसपास है तो आपको ही मिलना नहीं है ऑप्शन। हाँ, लेकिन वो चीटिंग जरूर करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। जब जहाँ जो अवेलेबल है वो उसी के साथ जीवन जिया जाएगा, है ना, डिवोर्स की पॉसिबिलिटी नहीं है तो नहीं कर रहे। 2005 से 2024-25 ये जो टाइम चल रहा है यहाँ तक का आप देखोगे तो उन्होंने ये देखा है कि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम झेलेंगे नहीं, फिर हम बाहर निकल जाएंगे, कोशिश करेंगे कि चल जाए, बट अगर नहीं वर्कआउट हो रहा है तो हम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी ने इन लोगों को परमिशन दे दी है कि यार आपको सफ़र नहीं करना है जीवन भर। कोई इंसान अगर टॉक्सिक है, बुरा है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है तो आपको उसके लिए अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी है, सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसे इनक्रेज किया जा रहा है कि आप निकलो वहाँ से। अभी 2024-25 के बाद का जो टाइम आएगा ना, मैं आपको बताता हूँ, जो शादियाँ अब होंगी वह डिवोर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे रिलेशनशिप ख़राब चल रही थी, डिवोर्स इसलिए होगा क्योंकि वैसे तो मुझे तो पसंद है पर मुझे उससे ज़्यादा प्यार है, हमारे इसमें दिक्कत नहीं है पर क्योंकि मुझे कोई और ज्यादा पसंद आ गया है तो मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। ये आपकी कैलकुलेशन बता रही है, ये मेरी समझ है पिछले 8-10 सालों की। हाँ, कि तो ये प्रेडिक्शन है बाय विकास चौधरी। तो डिवोर्स आने वाले टाइम में क्या हो रहा है? हाँ, डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ये पता लगा पाना या ये मान के चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए कि आज हम प्यार में, आज हम 25-30 की उम्र में, आज हमने शादी करी तो क्या 15 साल बाद भी हम साथ में होंगे? पता नहीं, अगर जिंदगी सही ट्रैक पर चलती रही तो शायद होंगे, शायद ना भी हो, और अगर नहीं भी होंगे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इतने डिवोर्सेज और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है सोसाइटी में कि नए ऑप्शंस किसी भी उम्र में अवेलेबल होंगे, 50 की उम्र में भी, 55 में भी, 60 में भी, तो लोगों को डिवोर्स से उतना डर भी नहीं लगेगा कि मेरा होगा क्या वैसा। तो ये डिवोर्स इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों ने, मैंने कहा ना कि वो अपनी एक पर्सनल फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, जो मुझे करना है उसकी, वो बढ़ती चली गई और सोसाइटी ने उसको परमिशन देते रहे, तो अभी कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। अब अगर मैं ज़्यादा ये बोल दूंगा कि नहीं शादी नहीं डिवोर्स करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीइंग अ एक्सपर्ट, हम खुद भी सजेस्ट करते हैं लोगों को जो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कि आपको यहाँ से सेपरेट ही होना पड़ेगा, पर 10 डिवोर्सेज अगर हो रहे ना नेहा, तो 6 डिवोर्सेज संभाले जा सकते थे, दैट्स आई एम सेइंग। 4 तो ज़रूरी है होने क्योंकि कोई अपनी ज़िंदगी ख़राब करे ये हम भी नहीं चाहेंगे, बट 6 संभाले जा 6 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों का अपने सेंटिमेंट्स पर कंट्रोल नहीं है, लोग इमोशनली ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, वो अपने सिचुएशंस को, अपने लाइफस्टाइल को टैकल नहीं कर पा रहे और उन्हें एक दूसरे से भागना पड़ रहा है वैसा है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे ये सारी जो प्रॉब्लम है इसको, सेपरेशन को या डिवोर्स को जो है, बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा कि कुछ लोग तो सोसाइटी में अब अलाउड है या एक्सेप्टेंस हो गई है तो इसीलिए लोग करते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो बहुत सारे लोग जो जूझ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कंट्रोल करने के लिए जो रिसोर्सेज है ना उस पर काम इतनी सी गति से चल रहा है, और डिवोर्सेज होने के लिए, रिलेशनशिप के फेलियर के लिए जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है वो रिसोर्सेज इतने सारे हैं, है ना, जिससे किसी भी इंसान को ये सोचना है कि यार मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है, अब हमारी सेक्सुअल लाइफ उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं रहूँ और इसके साथ रहूँ क्योंकि हमारी ओवरऑल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हमारे बच्चे हैं, इनकी लाइफ है, ये हंसी खुशी वाला परिवार है, तो थोड़े बहुत जो टेम्पटेशन मेरे अंदर है भी तो वो चाहे रहे पर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हीं के साथ रहूँगा, है ना। तो जो जीवन के डायनेमिक सीख गया उसे पता है कि ऐसे भागते रहना
उससे बात बनेगी नहीं। तो क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर किसी भी रिलेशनशिप में सर्वाइव करना है, सस्टेनेबल रखना है, तो एक इंसान ने स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा इवॉल्व होना चाहिए। क्योंकि हमारे भारतीय अगर व्यवस्था जो आप देखेंगे पिछले हज़ारों सालों से चल रही है, तो उन्होंने इस बात को बहुत इनक्रेज किया है कि अध्यात्म ज़रूरी है। अध्यात्म इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका कंट्रोल अपने सेंसेस पर रहे। सेंसेस पर कंट्रोल का सिर्फ इतना मतलब है, ऐसा नहीं कि आप संत बन जाए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको बस ये पता रहे कि कहाँ रुक जाना है। ठीक है, कहते हैं कि अ जीनियस नोज वेयर टू स्टॉप। तो हमसे अगर कोई गलती हो भी गई है तो हमें समझ में आ जाए कि बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने 2 पैक पी लिए या 3 पैक पी लिए तो इतना समझ में आ जाए कि पूरी बॉटल नहीं ख़त्म करनी होती। ठीक है, अगर कोई इंसान पसंद आ भी गया है, किसी की तरफ आपकी नज़र चली गई है, थोड़ा अट्रैक्शन आ भी गया है, तो इतना समझ में आ जाए कि इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको चेस करते रहें, है ना। आपको अगर मीठा पसंद है भी और मीठा आप खा भी रहे हो, तो इतना भी नहीं कि डायबिटीज़ हो जाए। आपको अगर सोना पसंद है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि 12-12, 15-15 घंटे, गेटिंग इट। तो हर वो चीज़ जो आपको प्रलोभित करेगी, जो आपका करने का मन करेगा, वो आप करिए, पर आपको बस ये पता रहे कि यार यहाँ रुक जाना चाहिए, है ना। और हम रुकना चाहें और रुक पाएँ, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा कंट्रोल अपने आप के ऊपर हो। और कंट्रोल की बात अगर आई है तो इसका मतलब कि हमारा सेंसेस पे हमारा कंट्रोल है, और इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअली थोड़े से इवॉल्व हो, तभी आप वो कर पाओगे, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। तो लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्पटेशंस के लिए, प्रलोभनों के लिए हमने 1000 साधन बना के खड़े कर दिए। मतलब डिओड्रेंट के ऐड में भी हम ग्लेमर डाल रहे हैं, ठीक है, इस लेवल पे वो चीज़ सेल की जा रही है। और सॉल्यूशन की अगर बात करें तो जो स्पिरिचुअल स्टफ़ है या इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो इस पर कितनी ही बात हो रही है, तो वो व्यवस्था बहुत छोटी है। तो कम से कम जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि इमोशनली अपने आप को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाइए, थोड़ा स्मार्ट बनाइए, थोड़ा इवॉल्व कीजिए। आपके लाइफ की सिचुएशन तब तक आप संभाल नहीं सकते जब तक आपकी भावनाएं आप कंट्रोल ना कर पाएं। तब तक आप वैसे ही ड्राइव होंगे जैसे दुनिया ड्राइव हो रही, जो चीज़ें दिख रही है और हम बस वो करते चले जा रहे हैं, तो ये वैसे ही होगा। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इसमें भी मुझे एक छोटी सी शिकायत यह है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि अध्यात्म की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, तो उसको सीधा भगवान से जोड़ दिया जाता है, सीधा उसको मोक्ष से जोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जीवन में अब सब कुछ हो गया, दुनियादारी, अब आप 50, 55, 60, 65 के हो गए तो अब ये काम करो। पता नहीं ऐसा क्यों है, अध्यात्म को इतना ज़्यादा वैसा क्यों बनाया है। ये तो हर इंसान की बेसिक नीड है, ये तो स्कूलिंग से ही प्रमोट किया जाना चाहिए कि भाई एक इंसान वेल कंट्रोल्ड क्यों होना चाहिए, इसके लिए कोई रीज़न थोड़ी ना चाहिए था हमको। बस हमने क्या किया उसको कि भगवान के नाम पर ज़्यादा प्रमोट किया या फिर रिलीजन के नाम पर ही प्रमोट किया, तो वो उसका स्वैग या कूल फैक्टर शायद थोड़ा कम रह गया कि एक यूथ है जो उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं करना चाहता, बट उसको वैसे प्रमोट ही नहीं किया जाना चाहिए था। ये तो बेसिक नीड है। जैसे आप किसी का IQ बढ़ाना है तो आप क्या बोलोगे उसको, बेसिक नीड है ना। किसी को फिट रहना है तो उसके लिए बीमार होना थोड़ी ज़रूरी है, बेसिक नीड है, जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए। वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, अपने आप को इमोशनली थोड़ा स्मार्ट बनाइए। इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेशनशिप ही नहीं, जो लोग इमोशनली स्मार्ट नहीं वो इम्पल्सिव बायर भी हैं। कई लोगों से पता है कि मेरा बजट 10 लाख का है, पर वो कार खरीदने गए तो 14 लाख की लिख कर आए। पता है कि क्रेडिट कार्ड इतने यूज़ नहीं करने पर एग्जॉस्ट हो जाते हैं हर बार। पता है कि 4 ही सामान लाना था सुपरमार्केट से, पर पूरी ट्रॉली भर के लिया है ना। तो मतलब लोग अपने इम्पल्सेस को नहीं संभाल पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस हर जगह ही चाहिए। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी लाइफ का एक इंटैक्ट पिलर है, तो चाहिए ही सही। जिंदगी में एक संतुलन बना रहे कि गलत कर भी लें पर ये पता हो कि कहाँ रुकना है। तो ये सब चीज़ों की सप्लाई ना बहुत कम है और टेम्पटेशंस की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ये बैलेंस बिगड़ा हुआ है सोसाइटी का, इसलिए प्रॉब्लम्स अभी बढ़ेंगे नहीं, हाँ अभी स्टार्टिंग ही हुई है। हम कोशिश करेंगे कि हम इन वीडियोस के थ्रू उनको हेल्प करें। तो जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, हमारे धर्मा लाइफ पे हम बहुत सारा ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं स्पिरिचुअलिटी, लेकिन बहुत सारे आजकल के ना जनरेशन की प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि हर चीज़ को भगवान से जोड़ देते हैं। अगर उनको कोई कहे कि मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ध्यान करो, तो वो सोचेंगे कि बैठ के घंटी बजाना है और भगवान को टीका चंदन करना है। ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी को कैसे लाइफ में इंसान जो है अपने अपना सकता है, क्या क्या कर सकता है वो? मुझे लगता है कि किसी भी एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंचने के लिए आपको एक व्हीकल चाहिए होता है ना। एक इंसान अपने लोअर सेल्फ पे है कि उसे पता है कभी मुझे में 10 कमियाँ हैं, और उसके जीवन का गोल यह है कि मैं अपने हायर सेल्फ तक पहुंचूं, यानी कि मैं इवॉल्व कर जाऊं इतना कि मैं अपनी ज़िंदगी को संतुलित तरीके से चला सकूं, है ना। ये प्रोसेस है, मतलब यहाँ से यहाँ आना, यहाँ आप आ गए मतलब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो गए। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसमें जो व्हीकल है, वो व्हीकल बहुत सारे हो सकते हैं।
तो उसमें से कुछ व्हीकल पूजा पाठ है, कुछ भगवान वाले रास्ते हैं, कुछ पूजा विधियाँ हैं, कुछ ध्यान विधियाँ हैं, है ना, कुछ ये सब नहीं कर रहे हैं पर वो फिर भी इमोशनली और स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है। वो अकेले के साथ सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, 1.5 घंटा म्यूजिक सुनते हैं, खुद के साथ रहते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी का संतुलन चलाना आता है, तो वो बिना किसी को माने भी स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक व्हीकल है इंसान को लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ लेके जाने का, और व्हीकल बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है कि वो यही होना चाहिए, ठीक है। वो व्हीकल कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी धर्म, कोई भी विधि, कोई भी वो एक्टिविटी जो आपको अपने इमोशंस और अपने सेंसेस को संभालना सिखाती है, वो व्हीकल हो सकता है। अगर ऐसा लगता है कि मैं अपने आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ, या फिर मैं ग्रीन स्पेसेस में जाता हूँ, थोड़ा पार्क वार्क में वॉक करता हूँ, या मैं पहाड़ों में जाता हूँ, या मैं किसी रिवर के पास बैठा हूँ, या फिर मैं जब हनुमान जी की पूजा करता हूँ, या फिर जब मैं हवन करता हूँ, या फिर मैं ध्यान करता हूँ, या मैं माला जपता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप पर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल ला पा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें कारगर हैं। जो भी चीज़ आपको लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ पर लेके जा रही है, वो व्हीकल ही आपके लिए ज़रूरी है और वही स्पिरिचुअलिटी है। तो वो व्हीकल इनको खुद ढूंढना है, वो व्हीकल इनको खुद ढूंढना है। तो जितने भी लोग प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम के बारे में तो बातचीत की, सॉल्यूशन क्या होगा वो भी बताया, कि स्पिरिचुअली आपको थोड़ा सा तो एक्टिव होना पड़ेगा, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको अपनी लाइफ को बनाना पड़ेगा। और इसमें एक बात मैं और ऐड करूंगा कि आप देखिए कि स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य क्या है, मतलब हम बात ही क्यों कर रहे हैं कि इंसान ने स्पिरिचुअल होना चाहिए, इससे क्या अचीव होगा। अगर आप एंड रिजल्ट, जैसे मान लीजिए पूजा ही करनी है तो क्यों करनी है, उससे क्या मिलेगा। अब मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा कि मोक्ष मिलेगा कि दूसरे जन्म में क्या, वो तो उस पर मैं जाऊंगा नहीं, अभी क्या मिलेगा ये करने से, है ना। यानी कि पूजा से कुछ नहीं मिलेगा, पूजा सिर्फ एक व्हीकल है जिसके माध्यम से आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ तक, माध्यम है। तो उस माध्यम पर लड़ना ही नहीं चाहिए कि वो सही है कि गलत है, कि किसका ज़्यादा सही किसका कम सही, और वो विषय ही नहीं है। विषय ये है कि मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर किसी जगह जाना है, तो मैं ऑटो से चले जाऊँ, मैं पैदल चले जाऊँ, मैं कार से चले जाऊँ, मैं किसी ट्रक से लिफ्ट लेके क्यों ना चले जाऊँ, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि हम वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो लोग क्या कर रहे हैं कि एंड रिजल्ट की बात नहीं कर रहे कि दुनिया वहाँ पहुँच पा रही कि नहीं, समाज वहाँ पहुँच पा रहा है कि नहीं, लोग ना उस मीडियम में या उस व्हीकल पर ही झगड़ा कर रहे हैं कि ये नहीं ये सही होना चाहिए, वो नहीं वो सही होना चाहिए। अरे यार पैदल ही निकल गए होते तो अभी तक पहुँच जाते, झगड़ते नहीं तो, गेटिंग इट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उस मीडियम से ही जुड़ गए हैं जो मीडियम हमको वहाँ ले जाने में हेल्प करता। इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि हम आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं पर ज़िंदगी में टर्मोइल है, लाइफ नहीं संभाल पा रहे हैं, परेशान है, फ्रस्ट्रेशन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ पर उनसे उनका एंगर ही कंट्रोल नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे, मैं स्पिरिचुअल हूँ और वो किसी हॉटशॉट लड़की को देख ले तो अपने आप को रोक नहीं पाते। तो अपने आप को मिसलीड कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल बोलने से स्पिरिचुअल नहीं होते। आप अगर हायर सेल्फ तक पहुँचे ही नहीं तो फिर आपने बीच में कुछ भी किया ऐसा बेकार हो गया, वो फिर कुछ नहीं अचीव हुआ, क्योंकि एंड रिजल्ट ये था कि आप उधर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। एक इंसान के तौर पर आप अपग्रेड हो पाए क्या, आप एक बेहतर इंसान बन पाए क्या, अगर नहीं बन पाए तो फिर आपने कितनी भी पूजा पाठ की, आपने दुनिया में किसी के भी लिए कुछ भी किया, फिर आपने कितनी भी धर्म की बातें की, फिर कोई सेंस नहीं है। हायर सेल्फ तक जाना ही मकसद है, और इसलिए जाना है क्योंकि मैं अपने प्रलोभनों को और सारी चीज़ों को टैकल कर पाऊंगा ना, तो मेरा जीवन बहुत आसान हो जाएगा, मैं ज़िंदगी को अच्छे से जी पाऊंगा। शायद मेरे ख्याल से यही है ईश्वर को पाना, कि अब मेरी ज़िंदगी में अपने हिसाब से चला पा रहा हूँ, मैंने ईश्वर को पा लिया, मतलब मेरे को जो चाहिए वो सब मैं बैलेंस आउट कर पा रहा हूँ, तो यही है मेरे हिसाब से। तो बाकी ये बहुत ही, मुझे आज ईश्वर को पाना ये बहुत ही अलग डेफिनेशन मिला मुझे, और एक बहुत ही अलग चीज़ मिली सुनने को, समझने को, जो कि बहुत ही अच्छी है। शायद बहुत लोग इससे रिलेट भी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ किसी एक धर्म की तो बात कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को और शायद रिलेट करेंगे, इसे अपनाएंगे भी। हमने बहुत सारी चीज़ें तो डिस्कस की, अब एक और चीज़ है, शायद इतनी सारी जो प्रॉब्लम है इसको देख के बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं अरे यार शादी में तो बहुत झंझट है, चलो शादी नहीं करते, और ये रेट बढ़ते जा रहा है। डिवोर्स की तो बात की, हमने देखा है कि आजकल बहुत सारे लोग शादी नहीं करते हैं और अनमैरिड रहना पसंद करते, क्योंकि उनको रिलेशनशिप की वो झंझटें नहीं चाहिए। तो क्या वो सही है कि शादी नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में? हाँ, हालांकि क्रिटिसाइज़ किया जाता है उन्हें, लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारे लोग बाई चॉइस जो है शादी नहीं करना चाहते हैं, अनमैरिड रहना चाहते हैं। तो क्या, जैसे सलमान खान को लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या ये चीज़ सही है, ये जो अब सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ते जा रही है? अगर कोई भी आइडिया आपके लिए वर्क कर रहा है और आप
खुशी खुशी उसके साथ अपनी जीवन निकाल पाए तो सब सही है ना। पर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मैंने नहीं देखे, इन्होंने शादी नहीं की इसलिए जीवन में बहुत खुश है ना, ऐसे एविडेंसेस मैंने देखे नहीं। सलमान खान ने भी कभी नहीं कहा ऐसा कि शादी नहीं करने से जीवन अच्छा चलता है। टर्मोइल तो, नेगेटिविटी तो बहुत जगह है, सिर्फ कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती है कि हमारे साथ कोई रहे। इस चीज़ के एविडेंसेस ज़रूर हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में अपने सारे सपने अचीव कर लिए, जो गोल्स थे उनने सब पा लिया, और वो डिप्रेशन में चले गए इसलिए क्योंकि उनके आसपास लोग ही नहीं थे, है ना। वो चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए बैठकर चाय पी लूँ किसी के साथ और दो बातें ही कर लूँ, लोग नहीं है, और वो अकेलापन उनको खा गया, है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोशल कैपिटल अच्छी है, मेरा सोशल सर्कल अच्छा है, और आपको ऐसा लगता है वो ज़िंदगी भर बना रहेगा, तो शायद आपकी वो जो इमोशनल नीड है वो रेगुलेट हो जाएंगी तो शायद चल जाएगा। पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं करता, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय लोग मेरे आसपास नहीं हैं, तो वैसे में फिर एक कंपेनियन की नीड आपको टैप करेगी कि वो चाहिए। एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है गैलप्स, उन्होंने रिसर्च किए तो 20s में ज़िंदगी जी रहे बहुत लोगों से पूछा कि भाई आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, करियर है, ट्रैवल है, फन है, फूड है, पैसा है, ग्रोथ है, कार्स है, दुनिया भर की फैमिली है। उन्हीं लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया 10 साल तक जब वो 30s में थे अपने, उनसे जाकर पूछा गया कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि यार रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते कि रिश्ते अगर ज़िंदगी में अच्छे हैं ना तो ज़िंदगी में बहुत सुकून है और मज़ा आता है, बट अगर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं आपके तो फिर कितना भी कुछ है सुकून नहीं है, छटपटाहट है, टेंशन है, अकेलापन है। तो ये एक इंसान की बेसिक नीड है कि वो उसके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे। ये साइकोलॉजिकल है बाय द वे, ये मेरे थॉट्स बिल्कुल भी नहीं है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हम दुनिया में कहीं भी रहे तो हमारे अंदर ये विचार होना ज़रूरी है दैट आई बिलोंग टू समवन। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं भी रह रहे, वो गांव में रह रहे हैं, हम शहर में रह रहे हैं, पर वो सिर्फ एक ख्याल दैट दे आर देयर, वो है बस, वो ख्याल हमें एक संतुष्टि देता है। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए। कॉग्निटिव स्टिमुलेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए हमारे आसपास लोग होने चाहिए, ठीक है, जिनके साथ हम रिसोर्सेज शेयर कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पर्सपेक्टिव्स, अपने थॉट्स वगैरह शेयर कर सकें, वो ज़रूरी है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, कुछ चीज़ों में मैं आपकी मदद कर दूँ, कुछ चीज़ों में आप मेरी मदद कर दीजिए जो मैं नहीं कर सकता था। हमें बच्चे पैदा करना है, हमें अपनी प्रोजीनी को आगे बढ़ाना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, तो हमें किसी एक मेट ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारी सेक्सुअल नीड्स हैं वो फुलफ़िल करने के लिए हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में आती है। हमारे इमोशनल रेगुलेशन के लिए भी हमें लोग चाहिए। हम तो इंसान है ना, हम तो ठीक से रेडी भी हो जाए तो हमको चाहिए कि कोई आकर बताए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, है ना। मैं अगर स्पीच दे के आऊँ किसी स्टेज पे से तो मुझे चाहिए कि कोई कहे कि यार मज़ा आ गया, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं। सेल्फ आइडेंटिटी के लिए भी हमें लोग चाहिए जो हमें बता दे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमारी क्या रेपो बन रही है इमेज में, हमारी इमेज कैसी बन रही है बाहर कहीं पर भी। तो ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स है जिसके लिए इंसान को लोग चाहिए होते हैं। अगर ये सारी नीड्स आज अगर कहीं से आपकी फुलफ़िल हो रही है तो ज़रूर आपके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि मैं शादी क्यों करूँ, सब तो बढ़िया चल ही रहा है। पर कल को अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग हमेशा नहीं होंगे या हमेशा ऐसी चीज़ें मेरे आसपास रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये जो नीड्स है ना ये ज़िंदगी भर रहेगी। तो जब भी आपके पास इन 4-5 चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए लोग नहीं होंगे, वहाँ पर आप बैठ के सोच रहे होंगे कि यार काश ये रोज़ 10 फ़ोन नहीं लगाना पड़े कब चाय पीने के लिए कि आज कौन अवेलेबल है, ठीक है। कम से कम चाय पीने के लिए तो एक कंपेनियन होना ही चाहिए। तो वैसा है, ये साइकोलॉजिकल नीड्स है, हो सकता है अभी चल रहा है बट आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मुझे आई वुड रिकमेंड कि शादी को डिले किया जा सकता है कि मुझे सही इंसान जब मिलेगा तो मैं शादी करूँगा, क्योंकि शादी करके भी अगर ये 4-5 चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो रही तो फिर वो रिश्ता काम का नहीं है, है ना। तो शादी को डिले किया जा सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शादी करनी चाहिए, है ना, ये अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि अकेले रहने का कोई है नहीं अभी हमारे पास ऐसे टेस्टिमनीज कि इन्होंने ज़िंदगी के बस 60 साल बिताए हैं अकेले और खुश है, और ये खुश है, तो इनसे पूछ लो ये क्या बोल रहे हैं। यानी जो लोग सलमान खान को देखकर भी मोटिवेट होते शायद वो भी खुश नहीं है। अभी सलमान खान को भी अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी और जीनी है, अभी सलमान खान का जीवन पूरा नहीं हुआ। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की,
हमने नॉर्मल रिलेशनशिप की तो बात की, आजकल एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बातचीत शुरू हो चुकी है। गे रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव देखते हैं। लेस्बियन हो गए, गेज हो गए, इनको देखकर लोग कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं सोसाइटी में। अभी भी चाहे लॉ है लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो इनको नेगेटिव देखते हैं? सोसाइटी और एक गवर्नेंस किसी भी देश में दो डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट सिस्टम है, और ये कभी भी हाथ मिला के नहीं चलते। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे रेगुलेशन जहाँ सरकार आपके साथ खड़ी है उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। कई सारी ऐसी चीज़ें, कई सारी कम्युनिटीज़ ऐसी है जहाँ डिवोर्स को पॉजिटिवली नहीं देखा जाता, पर सरकार तो आपको चॉइस दे रही है कि आप डिवोर्स ले लो, अलग जाओ, है ना? तो ये दो व्यवस्थाएँ हैं। LGBTQ के मामले में भी सरकार सपोर्टिव है और आगे चल के और ज़्यादा एक अच्छा स्पेस इस कम्युनिटी को देने वाली है, पर सोसाइटी जो है ना उसको 50 साल लगेंगे, अभी उसे टाइम लगेगा। सोसाइटी थोड़ा पीछे चलती है, वो धीरे धीरे आ रही है आगे, उसका इवॉल्व होने का पेस जो है ना थोड़ा सा और कम है। दुनिया के ऐसे ऐसे देश जिनको हम वैसे ही कॉपी करते रहते हैं, जिनसे हम वैसे ही सीखते रहते हैं, जिनको देख कर हम अपना कल्चर बदल रहे हैं, उन लोगों ने इन चीज़ों को अपनाया है। तो ऐसे आग बन करके तो नहीं अपनाया, उन्होंने कुछ साइंस तो समझा होगा, उन्होंने जीन्स को भी पढ़ा होगा, उन्होंने साइकोलॉजी को भी पढ़ा होगा। वो इतने गधे तो नहीं है कि उन्होंने ये मान लिया होगा कि बस ये तो एक दूसरे को देख देख के सब ऐसे बनते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो समझा होगा। जब उन्होंने अपने नियम अपने कानून लागू किए इनके फेवर में, तो वो सारा रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ वहाँ हुई है और उसके बाद ही हुआ है। तो वो रिसर्च और वो स्टडीज़ को समझने के लिए हम अभी इवॉल्व शायद नहीं हुए, इसलिए हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा। पर ऐसे इनफ एविडेंसेस हैं कि कोई भी सोच कर ऐसा नहीं बनता, लोग ऐसे हैं, ईश्वर ने ऐसा बनाया है उनको। पूछना चाहते थे कि बहुत सारे लोग उनको बहुत गलत तरीके से कमेंट भी पास करते हैं, और फैमिलीज तो मतलब अगर किसी के घर में है कोई लड़का ऐसा जो गे है, बगल के घर वाले कहेंगे ये पाप है, ये पापी है, इसको गंदा 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 बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपने बात कही कि वो बाई चॉइस नहीं बनते हैं? हम ना समाज के बारे में, अपने आप के बारे में, इंसान के बारे में थोड़ा ओवररेट भी करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि समाज जो है वो कोई बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा अभी मुझे कभी कभी नहीं लगता। आप देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे अगर कोई छोटी मोटी गलती लाइफ में हो गई तो समाज कलेक्टिवली क्या ट्रोल करता है उस इंसान को, हो सकता है कि वो जाके सोसाइटी कर ले, समाज इस लेवल पे उसको घसीट देता है, है ना? तो कभी कभी समाज ना इनसेंसिटिव भी हो जाता है। समाज है मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा है, सोसाइटी इनसेंसिटिव भी हो जाती है और किसी भी इंसान को मोरली इतना ज़्यादा नीचे ले आएगी कि शायद वो अपने पैरों पर दोबारा खड़े ना हो पाए। तो हम लोग वैसे हैं, तो अभी सोसाइटी शायद इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि आप जो कमेंट पास कर देते हो या आप किसी को कुछ कह देते हो, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस इंसान के जीवन पे क्या पड़ेगा, इससे भी सोसाइटी को खास लेना देना नहीं है। उसके लिए इंसान को थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, ये एक बात है सोसाइटी के एंगल पर। दूसरा कि सपोज कोई गे है तो उनकी अप्रोचेज में थोड़ी दिक्कत ये है कि रैंडमली हर इंसान को अप्रोच कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है? तो थोड़ा सा नेगेटिव इकोसिस्टम उन्होंने खुद भी अपने लिए क्रिएट किया है। तो लोग क्या है कि एक व्यक्ति के पास 10 जगह से ऐसी अप्रोचेस आ रही है तो थोड़ा सा इरिटेट होता है, चिढ़ने लगता है। तो वो इंसान उन्हें पॉजिटिवली ये कहने की जगह कि सी आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, और मैं इस चीज़ में आपकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर सकता, या मैं आपका वो दोस्त नहीं बन सकता जो आप मुझ में ढूंढ रहे हो, वो इतना कहना भी ज़रूरी नहीं समझता, वो उठा के ब्लॉक मार देता है। अब ये जो रिजेक्शन है ना, ऐसे 10 ब्लॉक जब होते हैं ना, इतने रिजेक्शन मिलते हैं ना, तो इससे उस गे के साइकोलॉजिकल स्टेट में बड़ा नेगेटिविटी ऐड हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह से कि सेक्सुअली हम ज़्यादा ढूंढ रहे हैं पार्टनर्स या ये वो सब कुछ, तो इसकी वजह से नेगेटिव माहौल क्रिएट करने में थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं। दूसरा कि वही है कि इंसान ढूंढता है, वो कोशिश कर रहा है, 10 में से 4 लोग ठीक कर रहे हैं, 6 लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी सफ़र कर रही है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी को थोड़ा सा पॉजिटिवली या थोड़ा सा एक अच्छी अप्रोच के साथ इन लोगों को टैकल करना चाहिए। वो जो रिजेक्शन या वो जिस तरह की जो कमेंट्स या जो इनसेंसिटिविटी दिखा रहे हैं ना, वो तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आपको पता है जितने भी बच्चे सुसाइड करते हैं हमारे देश में, उसका 1/3 ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जबकि हमारे पूरे देश की पॉपुलेशन का 1/3 ट्रांसजेंडर्स नहीं है। इसका मतलब सुसाइड में उनका रेशो काफ़ी हाई है। क्यों है हाई? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है शायद समाज में,
शायद उनके लिए वो इकोसिस्टम क्रिएट नहीं हुआ जहाँ पर वो खुलकर बोल सके कि मेरे साथ ऐसा कुछ अजीब सा है या मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बुलिंग होती है जब वो स्कूल में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनके साथ वाले उनकी खिंचाई कर रहे होते हैं। उन सब चीज़ों पर तो बात ही नहीं होती कभी कि स्कूल सिस्टम जो है, स्कूल की जो व्यवस्था है, वो क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो बुली किए जा रहे हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में अभी बहुत ठीक होने की ज़रूरत है। इट विल टेक टाइम। गवर्नमेंट इंफ्रा दे रहा है देश में उनको ठीक से रहने के लिए और आगे भी देगा, बट समाज जो है ना, वो कई बार उतना अच्छा नहीं होता जितना उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। कई बार वो बहुत इनसेंसिटिव हो जाता है। तो समाज को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हाल ही में मुझे भी एक कमेंट सुनने को मिला कि वो गे है, उससे मुझे घिन आती है। तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई गे बाय चॉइस नहीं बनता वो। और साथ ही एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप शायद बोले तो लोग ज्यादा सुनेंगे, मुझे तो हर दिन सुनते हैं ये। अगर कोई गे है और या लेस्बियन है या कोई भी एलजीबीटी कम्युनिटी का है, वो ये वीडियो देख रहा है, वो ट्रोलिंग से होके गुजर रहा है, बुलिंग से होके गुजर रहा है, क्या आप उसको सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम किसी इस वीडियो से किसी एक की भी लाइफ में चेंज आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इनसेंसिटिव है, जो नेगेटिव बोल देते हैं या जो चीज़ों को नहीं समझते। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान बुरा है। तो वो लोग जो आपको समझते हैं, जो आपको सही माहौल देते हैं, उन लोगों के साथ बैठिए, उन लोगों से बात कीजिए, कॉन्वर्जेशन कीजिए, चीज़ें शेयर कीजिए। वो जो एक इमोशनल डिप्लीशन हम महसूस कर रहे हैं, उसके लिए हीलिंग ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हो जिनसे बात कर सके। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिनमें एक्सेप्टेंस है इन चीज़ों को लेकर। एक्सपर्ट हेल्प लगती है कहीं पर कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहा हूँ या मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो एक्सपर्ट हेल्प लीजिए। और समाज है, चाहे धीरे ही बदल रहा है, पर बदल रहा है आपके लिए भी, और ये बेहतर हो भी जाएगा। थोड़ा सा कोऑपरेशन आपका भी चाहिए और थोड़ा सा समाज का भी चाहिए, पर ये चलेगा। तो कोई भी बहुत नेगेटिव राय मत बनाइए, अच्छे लोग भी हैं और उनके साथ अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। और अब तो कम से कम एक अच्छी बात यह है कि जो लोग एजुकेटेड हैं, अब जो चीज़ों को समझ रहे हैं, वो ना एक अच्छा माहौल देने की कोशिश कर भी रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आने वाला कल बड़ा खूबसूरत है। तो हैव पेशेंस और यकीन कीजिए चीज़ों पर और आगे बढ़ते रहिए। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी आपकी आपका पॉइंट आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके उस पॉइंट को ज़रूर जो है उस पर वीडियो भी बनाएंगे। आपको हेल्प चाहिए तो हम हेल्प भी देंगे। लेकिन कोई भी ऐसा, क्योंकि बहुत सारे डिप्रेस्ड लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं या फिर उनको बहुत तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले एक बार धर्मा लाइफ पे कमेंट करके देखिए, आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। आप आज हमारे साथ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि बहुत सारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए या रिलेशनशिप से जुड़े हुए सवाल भी हमारे पास आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन उनको दीजिए, सजेशन दीजिए, ताकि उनकी लाइफ में चेंज आए। अब सीरियस बातें तो काफ़ी हो गई, कुछ ऐसे वर्ड्स जो अक्सर आजकल मुझे भी सुनने को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलते हैं, और अजीब अजीब से वर्ड्स हैं, हमने तो अपने टाइम पे नहीं सुना। एक वर्ड है, अब मैं आपको धीरे धीरे बोलूंगा, आप मुझे एक्सप्लेन करके बताना, ताकि जो लोग नहीं जानते, जैसे मुकेश जी को भी नहीं पता है जो कैमरे के पीछे हैं, तो उनको भी नहीं पता है, तो आप हमें बताइए कि उन लोगों के लिए ये वर्ड आता है घोस्टिंग, ये क्या है? घोस्टिंग यानी कि ऐसे लोग जो आपसे कल तक बात कर रहे थे और अचानक गायब हो गए, है ना। जिन्होंने 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपसे अच्छे से बात की और फिर अचानक से फ़ोन बंद है, या फिर आपके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, या आपको ब्लॉक कर दिया, एकदम एक सडन डिसकनेक्शन कर लेना, वो घोस्टिंग है। और ऐसा ये टर्म इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग का कल्चर है, तो लोग हर दिन हर समय अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। कोई अच्छा लगा उससे बात की, 2-3 दिन में लग रहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा, तो उसको ब्लॉक कर दिया और किसी और से बात करने लगे। बात करते करते कोई व्यक्ति अच्छा लग गया तो सोचा कि वो ज़्यादा सही है, इसको छोड़ो, बात बंद कर दी, इसको घोस्टिंग कहते हैं। ओके, एक वर्ड है, अब आप देख लीजिएगा ये धर्मा लाइफ की ऑडियंस, अगर लगता है कोई ऐसी वर्ड है, ऐसा वर्ड है क्योंकि मुझे पीछे से ही मिला है, तो आप जरूर हटा दीजिएगा। सिचुएशनशिप, ये है एक वर्ड। सिचुएशनशिप बिल्कुल वैसा ही है कि आपकी और मेरे सहूलियत वाला रिश्ता, ठीक है, जिसमें आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो, मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो। तो सिचुएशनशिप सिर्फ शब्द नया है, ये जो फिनोमेना है ये नया नहीं है, ये तो चलते आ रहा है। बस हमने उसको एक वैलिडेशन दे दिया है कि हम रिलेशनशिप में नहीं है जहाँ हम हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे के लिए सब कुछ करेंगे। नहीं नहीं, हम सिचुएशनशिप के लिए हैं, हम खाली इतना ही मिलेंगे और इतनी ही बात करेंगे। ऑल दो ये जो आइडियाज़ है कैजुअल रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप, साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली अगर देखें तो ये हेल्दी आइडियाज़ नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल वर्क नहीं करते। पर लोगों को
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो मैंने कहा कि अभी मज़ा आएगा क्या, हाँ आएगा, चलो इसको इतना ही रखते हैं और ऐसे ही चलाते हैं, इसके आगे तू भी मत बढ़ना, मैं भी नहीं बढ़ूंगा, तो उसको सिचुएशनशिप बोल दिया और चल रहा है। हालांकि वो वहाँ तक रुकता नहीं, वो आगे जाता है और वो परेशानी खड़ी करता है। और किस तरीके की परेशानियाँ होती हैं, हमने वीडियो की शुरुआत में, इस इंटरव्यू की शुरुआत में आपको डिटेल में बताइए। एक वर्ड है, जो अगला वर्ड है मेरे पास, वो है ब्रेड क्रम्बिंग। ये क्या है? बहुत सारे लोग अटेंशन सीकर होते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है कि उनके आसपास कोई से घूमता रहे, कोई एक ऐसी लड़की मुझे मिल जाए जो मेरे लिए पागल है ना, तो मेरे आसपास रहे तो मैं उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी कर लूँ, थोड़ा बहुत मैं उसको अच्छे सिग्नल्स भी दे दूँ, मैं उससे बात भी करता रहूँ, मैं बहुत अच्छी रिलेशन उसके साथ बना के रख रहा हूँ, यानी कि उससे कहीं ना कहीं मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी आई एम ऑल्सो इन, है ना। पर अगर वो मुझे प्रपोज कर दे या मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहे या अगर वो मेरे ज़्यादा क्लोज आना चाहे तो मैं भाग रहा हूँ कि नहीं नहीं ये सब नहीं, बस ऐसे ही रहने दो। तो ब्रेड क्रम्बिंग ये होती है जहाँ पर इंसान ऐसे सिग्नल देता है एज इफ वो आप में इंटरेस्टेड है, पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वो पीछे हट जाता है, ठीक है, और जैसे ही आप पीछे हटेंगे वो फिर आ जाएगा आपके पास कि क्या हुआ, नाराज़ क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कोई रिलेशनशिप सीरियस रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते, पर ये चाहते हैं कि बस आप इनके इर्द गिर्द मंडराते रहें और इनको मज़ा आता है। तो ये कुछ 3 वर्ड्स मुकेश जी ने मुझे दिए थे और मैंने वो सवाल पूछे। अब एक चीज़ और इसी से रिलेटेड जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी ही बातों से मुझे एक क्वेश्चन आया दिमाग में। डेटिंग ऐप्स, ये कल्चर बड़ा चल रहा है, बहुत सारे डेटिंग ऐप्स है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो चाहे शादी के लिए हो, तो डेटिंग ऐप्स पे लोग टाइम पास के लिए जा रहे हैं या सीरियस, बहुत सारे लोगों को सीरियस रिलेशनशिप भी मिल जाता होगा, तो क्या ये डेटिंग ऐप्स का कल्चर इधर ज़्यादा शुरू हुआ है और आने वाले टाइम पे और चलेगा, ये बंद हो जाएगा? ये डेटिंग ऐप बहुत नहीं चल रहा है, वो बस स्टार्ट ही हुआ है अभी, वो बहुत ज़्यादा होगा आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा होगा। ऑल्दो वो ठीक से लैंड नहीं कर पाया इंडिया के अंदर, मतलब अमेरिका के अंदर 10 में से 7 शादियाँ डेटिंग ऐप्स के थ्रू होती है और हमारे यहाँ मैट्रिमोनियल से भी 10 में से 7 नहीं हो रही है। तो मैट्रिमोनियल पे भी लोग ट्राई ही मार रहे हैं एक दूसरे पर कि चलो अपनी शादी तो नहीं हो सकती, रिश्ता नहीं हो सकता, पर फ्रेंड तो बन ही सकते हैं, गेटिंग इट, इतना माहौल है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी यही चल रहा है। वो डेटिंग ऐप तो उन्होंने बिल्कुल उसको ऐसा हुकअप कल्चर के लिए ही बना दिया है कि बस वो टाइम पास के लिए है। तो डेटिंग ऐप दूसरे देशों में जैसा वर्क कर रहा है, यूएस वगैरह में बहुत ही प्रोग्रेसिवली वर्क कर रहा है, पर हमारे यहाँ पर उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग ना अभी उसके हिसाब से इवॉल्व नहीं हुए, उन्हें एक ही चीज़ चाहिए सब जगह पर, वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए अगर जा रहे होते तो फिर बात कुछ और होती। तो डेटिंग ऐप अभी तक बहुत सारे रिश्तों को जोड़ चुका होता, बहुत लोगों ने शादियाँ की होती, वो अभी वैसा वर्क नहीं कर रहा है, पर लोग धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उस कल्चर में आए हैं तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, पर डेटिंग ऐप का अभी सिर्फ शुरुआत है। डेटिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़े स्केल पे जाने वाला है, तो बस इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस पूरे इंटरव्यू में बहुत तरीके की बातें की, बहुत सारी चीज़ें पूछी। एक और लास्ट चीज़ मैं जो पूछना चाहूँगी, हमने शुरुआत की थी कृष्ण राधिका के नाम से और मैं ख़त्म करूँगी शिव पार्वती के नाम पे। जब भी हस्बैंड वाइफ में प्यार की बात आती है, जब भी बात आती है त्याग की, समर्पण की, जो आपने बात की है, तो शिव पार्वती का नाम ज़रूर आता है। आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, आपने अर्ध नारीश्वर पे कुछ बात कही थी, मैं चाहूँगी आप ऑडियंस को ज़रूर वो बात बताइए। जो आइडिया था या जो थॉट था उस वीडियो के पीछे, वो ये था कि रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेंस से चलती है, परस्पर निर्भरता से, जिसमें कुछ चीज़ों के लिए मैं अपनी वाइफ पर डिपेंड हूँ, कुछ चीज़ों के लिए वो मुझ पर डिपेंड है, और हम जब साथ में हैं ना तो ही हम कंप्लीट हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आजकल सोसाइटी में जो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ओवर सेलिंग किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो इनक्रेज किया जा रहा है, वो है सेल्फ डिपेंडेंस, जहाँ पर लोगों को सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप किसी पर डिपेंड नहीं होने चाहिए, किसी के लिए किसी के भरोसे रहना पड़े तो सही नहीं है। तो जो थॉट था वो ये था कि दो सेल्फ डिपेंडेंट लोग एक कमरे के अंदर कब तक रह सकते हैं, जब तक उनके बीच झगड़ा नहीं होता। उनके बीच अगर झगड़ा हो गया है तो फिर कोई मोटिव नहीं है उधर रुकने का, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट है तो वो निकल के भाग नहीं जाएगा, पर अगर वो इंटरडिपेंडेंट है तो वो उन झगड़ों को सुलझाना चाहेगा, वो उस पर कंस्ट्रक्टिवली काम करना चाहेगा, वो उस नेगेटिव फेज को या उस बुरे समय को साथ में मिलकर हाथ पकड़ के नेविगेट करना चाहेगा कि ठीक है टाइम है, निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इंटरडिपेंडेंस ज़रूरी है। तो जो अर्ध नारेश्वर की जो बात है, शिव और शक्ति की जो बात है, वहाँ पर उन्हें आधा पुरुष और आधा महिला दिखाया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो डिपिक्शन है वो ये है कि हम मिलकर एक हैं, हम एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते, हम एक दूसरे को कम्प्लीट करते हैं। तो दैट्स द आइडिया कि
एक मेल और फीमेल, एक कपल जो होता है, उनने दोनों ने मिलके एक यूनिट होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। और शिव और पार्वती से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मैसेज, एक इतनी दुनिया का सबसे खूबसूरत कपल वही है मेरे ख्याल से, तो जो उनसे सीखना चाहिए वो यही सीखना चाहिए कि इंटरडिपेंडेंस एक रिश्ते की नींव है और हमने उसी को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है। अगेन दिस इज़ अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ अ सोसाइटी, जहाँ पर हर इंसान सेल्फ डिपेंडेंस को ज़रूरत से ज़्यादा इनकरेज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ऐसा नहीं कि सेल्फ डिपेंडेंस होना नहीं चाहिए, पर साथ में ये भी कह देना चाहिए कि भैया रिश्ते के लिए तो इंटरडिपेंडेंस ही चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंस आपकी अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपनी साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए ज़रूरी है, पर रिलेशन तो तभी बनेगा जब इंटरडिपेंडेंस हो। एक और सवाल है, क्योंकि हमने अपने ही चैनल पर किसी से बातचीत की थी, हम हर तरीके की बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपसे पूछूं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। हमारे एक हमने वीडियो की थी, हमने इंटरव्यू ही किया था, वहाँ पे धर्म गुरु थे, बाबा थे, उन्होंने कह दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप तो जानवरों का कल्चर है। बहुत सारे लोग हर्ट हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है? क्या शादी से पहले अगर कोई साथ रह के जानना चाहता है, एक दूसरे को पहचानना चाहता है, समझना चाहता है, तो क्या ये गलत है? सोसाइटी को इसको गलत नज़रिए से देखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो इमोशनली थोड़े सेंसिटिव हैं, उन लोगों के लिए अगर इन केस लिव इन वर्क नहीं किया तो वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा है, राइट? तो लिव इन, कई बार जो लोग इमोशनली थोड़े सेंसिटिव हैं या थोड़े से वीक हैं, उनके लिए बुरे सपने के जैसा हो सकता है अगर वो वर्क नहीं किया तो। वर्क कर गया तो, मैंने कहा ना कि अगर कोई चीज़ काम कर जाए तो वो कुछ भी है, सब सही है फिर, है ना? पर अगर उसके दुष्परिणाम ही ऐसे हो जाए कि उससे मेरी साइकोलॉजिकल स्टेट ही डैमेज हो जाए बुरी तरह, तो फिर वो बुरा है। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा हेल्दी अप्रोच है लिव इन, पर ठीक है, अगर प्रैक्टिकली ही सोचना है तो फिर सब सही है। अगर रिश्तों को ऐसे प्रैक्टिकली ही देखना है कि मैं पहले रह के वेरीफाई करूंगा, तो फिर मतलब अगर ऐसे ही सोचना है तो कर लो फिर वैसे। यानी जो तो मुझे लगता नहीं कि इंसान जो है उसको इतना ज़्यादा वेरीफिकेशन करना पड़ेगा कि हम तो पहले रहेंगे साथ में और सब सही चला तो ही। क्योंकि आप मुझे बताइए कि कितना टाइम रह के देखना सही हो सकता है? 4 महीना, 6 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, कितना? क्योंकि अगर आप शादी करते हो 2 साल के बाद, तो आपको क्या लगता है ये जो 2 साल जैसे बीते हैं ऐसे ही अब 50 साल निकलने वाला है, या उस 50 साल में भी अप एंड डाउन आएंगे? क्या लगता है आपको? एक शादी जो है उसमें तो फेजेस आते ही रहते हैं, अप एंड डाउन चलता ही रहता है। तो आप ये भी कैसे वेरीफाई करोगे कि अगर अभी हमारा 1 साल अच्छा निकला साथ में तो 50 भी अच्छे ही निकलेंगे? ये तो कोई मेरे ख्याल से रिलेवेंस है ही नहीं। अगर आप लिव इन में ना भी रहो, इन जनरली अगर एक रिलेशनशिप में आप हैं और अगर आपके 4 साल अच्छे निकल गए, तो क्या इस बात की गारंटी हो जाती है कि 40 साल अगले अच्छे ही निकलेंगे? ये वेरिफिकेशन फ्लॉप वेरिफिकेशन है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। अगर इसलिए लिव इन में रह रहे हो कि हम रह के देखना चाहते हैं और अगर चल गया तो हम शादी कर लेंगे, तो ये आई डोंट थिंक ये अप्रोच काम की है, ये बकवास अप्रोच है। बाबा ने कहा था कि जानवरों का कल्चर है, क्या हम माने कि जानवरों का कल्चर है? ये कह सकते हैं कि जो लोग इमोशनली स्ट्रांग है वो ये डिसीजन ले सकते हैं, जो इमोशनली वीक है उन्हें नहीं लेना चाहिए। हाँ, पर इस काम को करने के पीछे जो आर्ग्यूमेंट है वो ये नहीं होना चाहिए कि हम रह के देखेंगे, अगर हमारा सब सही चल रहा है तो फिर हम शादी कर लेंगे। क्योंकि अगर आप रह के देख भी लो और सब सही चल भी जाए, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी शादी अच्छी ही चलेगी, ठीक है? क्योंकि लिव इन में अगेन आप दो ही लोग रह रहे हैं और शादी में दो परिवार जो हैं वो जुड़ते हैं, तो उसके कॉन्फ्लिक्ट, उसके इश्यूज़, उसके चैलेंजेस हमेशा दूसरे रहने हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे कपल्स ये फील करते हैं कि यार अभी हम एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे, पूरा टाइम इस बच्चे में चले जाता है, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, रेस्ट नहीं हो पा रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है थोड़ा बहुत, तो वो भी एक फेज़ है। एक फेज़ ऐसा आता है जब आपको पूरी तरीके से अपने करियर और अपने प्रोग्रेस और अपनी घर और गाड़ी और बच्चों की एजुकेशन उसमें डालना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं। तो उन सारे फेजेस का टेस्ट नहीं होता लिव इन के साल 2 साल में। तो शादी और रिश्ता और ज़िंदगी तो तभी निभेगी जब हमारे अंदर थोड़ी अडेप्टेबिलिटी है, हम मेंटली रेडी हैं, थोड़ा सा हम स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं, तो वो सब हो जाएगा, फिर किसी लिव इन की ज़रूरत नहीं है। और बस मन कर ही रहा है कि एक ही शहर में रह रहे हैं और क्या ही करें, अलग अलग रहकर मज़े कर ही सकते हैं और शायद और अच्छा जान भी लें, और वो प्रैक्टिकल अप्रोच है तो फिर ठीक है, कर लो, पर कोई बहुत ज़्यादा रिकमेंड तो नहीं करता मैं। नहीं करते। एक चीज़ आप ही के सवाल से, आपके जवाब से मुझे एक दिमाग में चीज़ आ रही है, शादी के बाद बहुत सारे आजकल लोग जो है वो अलग रहना पसंद करते हैं, नहीं शादी कर ली वो
फैमिली में नहीं रहना चाहते, मतलब हस्बैंड वाइफ हम रहें, हमारे बच्चे रहें, उनको मम्मी पापा नहीं चाहिए, उनको फैमिली नहीं चाहिए। क्यों? हमारी आज़ादी, हमारा जो स्पेस है वो ख़त्म हो गया, उनको देखते रहना। तो आजकल ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग बाई चॉइस, ये भी बाई चॉइस ही हो रहा है कि अपने पेरेंट्स से दूर रहना पसंद करते हैं, या कभी कभी किसी किसी केस में तो पेरेंट्स ही कहते हैं कि नहीं नहीं शादी हो गई, तुम अपना अलग रहो, हमसे अलग रहो। तो क्या ये भी चीज़? और वही मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कहा गया था कि न्यूक्लियर फैमिली कितना डैमेज करने वाली, आने वाले टाइम पे लोगों को पता चलेगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है कि आप फैमिली से अलग हो जाओ शादी के बाद? इसके पीछे दो बातें हैं। पहला तो आने वाले 5-10 सालों में ही मुझे लगता है कि ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। जस्ट शायद लड़की शादी के पहले ये कह रही है कि शादी हम तभी करेंगे जब हम सेपरेट रहें, मतलब ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा। जैसे आजकल नहीं होता कि शादी के बाद मैं यही पहनूंगी, रेडी हो तो करें, नहीं तो, या जैसे ऐसा होता है ना कि शादी के बाद मेरे को जॉब करना ही है तो रेडी हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब ये कोर प्रायोरिटी बन जाएगी लोगों की, है ना। शायद पेरेंट्स भी ये कह रहे होंगे कि बेटा शादी उससे ही करना है जहाँ पेरेंट्स के साथ ना रहना पड़े। तो ये एक नया नॉर्मल बनने वाला है सोसाइटी का, ये पहली चीज़ है। क्योंकि ये बाहर की कंट्रीज़ में चल रहा है, हमने बहुत क्लाइंट्स हैं हमारे जहाँ हम देख रहे हैं कि भाई यही कल्चर है वहाँ पर, ये होगा। दूसरा कि किसी भी लिहाज से इंसान अगर सोशली आइसोलेट हो रहा है तो ये उसकी साइकोलॉजिकल परिस्थितियों के लिए या उसकी इमोशनल सिचुएशंस के लिए हेल्दी नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी व्यक्ति का तब विकसित होता है जब वो थोड़ा सामाजिक होता है, जब वो लोगों के बीच में होता है। और वो जो 4-5 साइकोलॉजिकल नीड्स जो मैंने आपको बताई थी कि जिसके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, वो सारी ज़रूरतें पूरी होती है जब और भी लोग हमारे आसपास होते हैं। सोशल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए। सोशल कैपिटल में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं जो आपके विश्वसनीय हैं। तो एक इंसान का जितना हेल्दी और जितना बड़ा सोशल सर्कल होगा, वो अपने लाइफ के फेलियर्स और नेगेटिविटी और इन सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा कोप अप कर पाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके लाइफ में लोग नहीं है, आइसोलेटेड है, वो छोटी छोटी चीज़ों पर डिप्रेसिव फील करता है, है ना। तो लोग अगर अपने आप को एकदम आइसोलेट करना चाह रहे हैं, जैसा कि होने भी लगा, आप आजकल नोएडा गुड़गांव में कपल्स रह रहे हैं तो अकेले ही तो रह रहे हैं, थोड़ी ना पेरेंट्स गांव से आ रहे हैं उनके साथ यहाँ रहने के लिए, तो वहाँ बहुत फेलियर है क्योंकि वो सोशल आइसोलेशन जो है वो लोगों को खा रहा है। तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव है, ये एक बात है। और दूसरा कि यही न्यू नॉर्मल बनने वाला है और यही होने वाला है, ये दूसरा दुखद समाचार है। तो ये चीज़ें लेकिन हालांकि नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स से। आपने जैसे बताया कि इसके लिए इसका क्या जो इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, ये भी आपने बताया कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब फैमिली साथ होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इंसान सॉल्व कर लेता है। और आपने बोला जैसे सिटीज़ में तो क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए भी फिर जब बच्चे हो जाते हैं तब कहते हैं अरे मम्मी को गांव से बुला लो, देखना देखेगा कौन। तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है लोगों को कि जब ज़रूरत है तब पेरेंट्स को बुलाया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इंसान को लिबर्टी चाहिए, हर जगह स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस ढूंढते ढूंढते वो कहाँ पहुँच गया, मैं आपको बताऊँ। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो फिर उसको ऐसा लगा कि यार यहाँ कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो फिर उसने डिसाइड किया कि मम्मी पापा, मेरे भाई बहन और हमारे हस्बैंड वाइफ, हम लोग रहेंगे। फिर उसको ऐसा लग रहा है यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ है यार, तो फिर उसने कहा कि हस्बैंड और वाइफ ही रहेंगे। फिर उनने देखा कि खुशियाँ तो यहाँ भी नहीं है, लड़ झगड़ तो यहाँ भी रहते, काम करो सेपरेट रहेंगे। तो फिर सेपरेशन वाली बातें आई, ठीक है। फिर ऐसा लगा कि जब सेपरेट ही रहना है तो शादी है ही क्यों, तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं। वो डिवोर्स ली, ये इंसान ही है जिसने ये कबाड़ा किया है, है ना। अब वो यहाँ भी खुश नहीं है, अब वो मुझे नहीं पता क्या करने वाला है। फिर वो कह रहा है कि एक काम करते हैं, शादी नहीं करेंगे और साथ में रहेंगे, जब तक मन लगेगा रह लेंगे, झोला पैक करेंगे निकल जाएंगे। तो लिवन भी बढ़ ही रहा है, वो भी होने ही वाला है। तो ये अच्छा हो रहा है कि बुरा मुझे नहीं पता, बट ये हो रहा है मुझे लगता है इस डायरेक्शन। अगर ये बहुत हमने बहुत स्मार्टली ये ट्रांजिशन किया है तो ये आप तय करिए कि अच्छा हुआ। और अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हमने दुर्गति कर दी है, तो भी आप ही तय करिए, ये आप तय करिए कि ये अच्छा है या बुरा है। और मुझे लगता है एक स्टेप ये भी होगा जब इंसान डिवोर्स ले लेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ देगा, क्योंकि चलो अब तो बाबा बन जाते हैं, अब धर्म की बातें करते और सब कुछ छोड़ के धर्म की बातों पर चला जाएगा। विकास, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज हमने ऐसे ऐसे टॉपिक पे चर्चा की है जो कि हर एक इंसान, जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसका सॉल्यूशन आज आपने उनको दे दिया है।
और जाने से पहले सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू, एक रिचुअल आपके साथ कंप्लीट करेंगे। रिचुअल ये है कि धर्मा लाइफ पे, धर्म संवाद पे जब भी कोई गेस्ट आता है, मैं उससे प्रॉमिस लेती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, क्योंकि आप इतनी हैवी हैवी बातें करके जा रहे हैं, जो लोगों के सॉल्यूशन देके जा रहे हैं उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। जब वो सवाल पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, ढेर सारे सवाल डालेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, आपको वापस आना होगा चाहे जब भी टाइम निकाले। तो ये रिचुअल है, हर गेस्ट के साथ हम प्रॉमिस लेते हैं कि वो वापस आएंगे सवालों का जवाब देने के लिए। डेफिनेटली यार, अगर लोगों को मदद अगर मिलती है तो मेरे ख्याल से मेरे काम का तो मिशन ही यही है कि मैं किसी भी तरीके से लोगों के लाइफ को थोड़ा एलिवेट करने में हेल्प कर सकूं। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, जगह कोई भी हो, अगर लोगों को हेल्प मिल रही है और वो चाहते हैं तो ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं धर्मा लाइफ पे पहली बार, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप सभी ने जितने सवाल पूछे थे उसका जवाब देने के लिए हमने एक्सपर्ट ढूंढा और आपके सामने लेकर आए, जिन्होंने बखूबी ही आपके सारे सवालों का जवाब दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर कोई हेल्प मिलेगी इससे। कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हर तरीके के सॉल्यूशन आपको धर्मा लाइफ पे गेस्ट के थ्रू मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मिलते हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.